तो कैसे आप लोग फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा रिएक्ट जेएस के कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में और साथ में बताऊंगा उसके हुक्स के कुछ नए फीचर्स जिसके मदद से बहुत ही इजीली अपने प्रोजेक्ट पे रिएक्ट जेएस के कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो फ्रांस ये टू डू ऐप है जिसमें मैंने रिएक्ट जेएस का कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज किया है और अब वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई को अपने प्रोजेक्ट में। तो सिंपली हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एपीआई को पूरा यूज किया हुआ है। अब ये टू डू ऐप है जैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी, तो मैं जैसे मैं लिख रहा हूँ कोडिंग, तो यहाँ पर ये क्रिएट हो गया। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह कट मार्क आ जाएगा और पेंसिल का मार्क मतलब पेंसिल का आइकन हट जाएगा क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग इसको एडिट तो नहीं कर सकते, सिंपल सा लॉजिक है। अगर डिलीट करना तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर किसी को अपडेट करना तो पेंसिल वाले पे क्लिक करेंगे इस आइकन पे और यहाँ पर ये ऑटो फोकस हो जाएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कोडिंग लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो क्या हुआ, यहाँ से फोकस हट गया और यहाँ पर मतलब ये अपडेट भी हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप क्लिक कर सकते हैं, ये कंप्लीट हो गया, आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक था और ये था टू डू ऐप। तो हम लोग अभी इसको बनाने वाले हैं, इसमें हम लोग पूरा का पूरा यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई, आप पूरा समझ जाएंगे कैसे आपको अपने प्रोजेक्ट में बहुत से इजीली आप यूज कर सकते हैं। और साथ में मैं हुक्स भी इसमें बताऊंगा कि क्योंकि पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई कुछ और था, उसमें अभी जो नए फीचर्स आए हैं उन सभी को मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कैसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बनाते हैं ये। तो फ्रांस ये टू डू ऐप बनाने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में, आखिर है क्या और उसको क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, कैसे यूज करना है तो मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन क्या और क्यों यूज किया जाता है। तो सिंपली मैं एमएस पेंट को ओपन कर लेता हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई मेनली, अगर आपने मेरा रिडक्स वीडियो देखा होगा पहले वाला, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आप ऐसा मान लो कि आपको 95% समझ में आ गया, ऐसा मान लो, क्योंकि सब कुछ सेम है यहाँ पर इंप्लीमेंट करने का तरीका और सब कुछ। ठीक है, तो सिंपली ये मान लो कि कॉन्टेक्स्ट जो एपीआई है रिडक्स का छोटा भाई है। ठीक है, तो रिडक्स काफी बड़ा है तो उससे छोटा भाई है, लेकिन दोनों सेम ही है। दोनों यूज किया था स्टेट मैनेजमेंट के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज किया था। अगर आप रिएक्ट जेएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो आपको मिलेगा सिंपली कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है डेटा शेयरिंग के लिए यूज किया था। तो क्या होता है, जब आपका ऐप ग्रो कर रहा है तो सिंपली हम लोग डेटा को शेयर करने के लिए क्या होता है कि मान लो कोई डेटा चाहिए, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल दिया हूँ कि हम लोग डेटा को ऐप डॉट जेएस में रखते हैं, बट इन द केस कि इसको हमें एक के बाद बहुत सारे कंपोनेंट है, जा रहा है बहुत सारा है और हमें प्रॉप्स डेटा को पास कराते रहना पड़ता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एक जगह रखते हैं। तो सिंपली उसके लिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करते हैं, डेटा को सिंपली एक जगह स्टोर करते हैं और फिर जो भी कंपोनेंट को डेटा चाहिए होता है वो कंपोनेंट डायरेक्टली उस डेटा को एक्सेस कर लेता है। ठीक है, डायरेक्टली उस डेटा को एक्सेस कर लेता है, ना कि उसको ऐप डॉट जेएस से मतलब ऐप फाइल से मेन फाइल से उसको डेटा मांगना पड़ता है। तो वो पास बार बार नहीं कराना पड़ता, वो डायरेक्टली डेटा को किसी भी जैसे टू डू फॉर्म को चाहिए तो डेटा सिंपली वहां से उठा सकता है। तो ये था सिंपली कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो अगर आपको रिडक्स मेरा वीडियो आपने देखा होगा पीछे वाला, अगर समझ में आ गया तो ये भी समझ लो कि बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, सेम ही कॉन्सेप्ट है। मैं जैसे बोला ना कि रिडक्स का छोटा भाई है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, तो आपको सब कुछ आगे इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था कॉन्टेक्स्ट एपीआई, अब प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो आपको जहां से लेकर वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूं और यहां पर डेस्कटॉप पे आता हूं, सीडी डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप में नेविगेट करते आ गया। अब मुझे लिखना पड़ेगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उस ऐप का नेम, तो मैं दे रहा हूँ रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट टू डू। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं उस ऐप का नेम और आपको इंटरप्रेस करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपके पास पहले से नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो सिंपली आप गूगल क्रोम पे जाएंगे और नोड जेएस डॉट ओआरजी पे जाके सिंपली कोई भी वर्जन एक डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन। उसके बाद आप सिंपली ये कमांड रन करेंगे तो आपका यहाँ पर डेस्कटॉप पे ऐप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट कर लेना, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर ऐप आपके लिए क्रिएट जनरेट कर देगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो गया और ये फोल्डर क्रिएट हो गया हमारा रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट टू डू। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट कर लेना जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है। अब इस फोल्डर को मतलब जो कि जनरेट हुआ है हमारा, उस फोल्डर को ओपन करना अपने कोई भी जो भी आप क्रिएटर यूज करते हैं। तो मैं सिंपली इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ कमांड से, तो मैं लिखता हूँ सीडी और रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट टू डू। ठीक है, अब लिखते हैं कोड। अगर आपका विजुअल स्टूडियो कोड है तो सिंपली अगर आप लिखते हैं कोड और डॉट और एंटर प्रेस करेंगे तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर देगा, और नहीं तो आप डायरेक्ट मैनुअली भी ओपन कर सकते हैं, चाहे आपका एटम या फिर सबलाइम टेक्स्ट जो भी कोड एडिटर है, सिंपली आपको ओपन कर लेना उस प्रोजेक्ट फोल्डर को। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं इस ऐप को। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm start, जो कि एक स्क्रिप्ट है इसको रन करने का, जो कि अगर आप देखेंगे पैकेज डॉट जेसन में आपको मिलेगा ये रहा स्टार्ट। ठीक है, तो npm स्टार्ट करने से ये यहाँ पर ब्राउजर पर ऑटोमेटिक ये यहाँ पर ये रन करना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट होगा। थोड़ा सा वेट कर लेना और ये देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं, मतलब जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक वेलकम पेज की तरह ये देता है हर बार।
ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ऐप डॉट सी एस एस का जितना भी ये स्टाइलिंग है डिफॉल्ट उसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, और इंडेक्स डॉट सी एस एस का भी ये, ठीक है। और क्या करते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे अब थोड़ा अजीब सा दिखेगा क्योंकि ये स्टाइल शीट नहीं यहाँ पर, और मैं ये लोगो डॉट एस बी जी को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ऐप डॉट जी एस में जाते हैं और यहाँ पर ये सारा कोड जो डिफॉल्ट है यहाँ पर कोड है उसको हटा के मैं सिंपली एक एच वन टैग देता हूँ, एक तो हेलो रिएक्ट, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है, थोड़ा सा कोड को फॉर्मेट करते हैं, लोगो जो इम्पोर्ट है इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि लोगो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा रिलोड कर देंगे तो ये एरर चल जाएगा, ठीक है। सिंपली देखिए एरर चल गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करने वाले हैं, मतलब कि जो स्टाइल शीट है बाहर में रहता है, तो मैं क्या करता हूँ इस सोर्स फोल्डर के अंदर में एक स्टाइल्स फोल्डर बना ले रहा हूँ और जिसके अंदर हम लोग सारा स्टाइल शीट रखेंगे। तो इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, इसके ऊपर लेके छोड़ देंगे, तो यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा इस फोल्डर के अंदर सिंपली। तो इंडेक्स डॉट सी एस एस को भी करते हैं इसके अंदर, इसे डाल देते हैं। अब यहाँ पर एरर आएगा क्योंकि इसका लोकेशन चेंज हो गया ना, तो यहाँ पर जो इम्पोर्ट हुआ है तो ये स्टाइल्स के अंदर है, इसलिए यहाँ पर इसको स्टाइल्स लिख देंगे। और इंडेक्स डॉट जी एस में इंडेक्स डॉट सी एस एस यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी लिखेंगे स्टाइल्स, क्योंकि स्टाइल्स फोल्डर के अंदर चल गया ना वो, इसीलिए इसको सेव करते हैं और शायद इस बार एरर चल जाएगा। ये देखो चल गया। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर, ये कुछ दूसरा लिखा गया था हेलो रियल। अब क्या करते हैं स्टाइल शीट का जहाँ तक बात है, देखो सी एस एस कोडिंग में, सी एस एस में अगर अभी कोड लिखता हूँ तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है उसमें। तो मैंने क्या किया इस बार, मतलब हर बार आजकल के वीडियो में, तो अगर मैंने डाउनलोड लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन पे, गिटहब का लिंक, आप उसको प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट को जाकर सिंपली यहाँ पर, मतलब आप लोगों को पता है, जिनको नहीं पता सिंपली यहाँ डाउनलोड करेंगे तो ये पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर अगर आप जाएंगे सी एस एस कोड यहाँ पर मिल ही जाएगा, यहाँ सब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाता हूँ सोर्स में और उसके बाद मैं जाता हूँ स्टाइल्स में जो कि मेरा फोल्डर अभी भी, इसके बाद ऐप डॉट सी एस एस में जाना है और आपको यहाँ का जितना भी कोड इसको कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ सारा कोड और इसको आपको पेस्ट कर देना, क्योंकि इतना लिखने कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, फालतू में वीडियो का लेना ही पड़ जाएगा। तो इसको सिंपली आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। ये ऐप डॉट सी एस एस का था, और इंडेक्स डॉट सी एस एस का भी मैंने कुछ यहाँ पर कोड रखा है, छोटा मोटा कोड है, स्क्रॉल बार, कस्टमाइज और वगैरह वगैरह, कुछ फॉन्ट वगैरह, कुछ रिसेट्स है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं डाल देता हूँ इंडेक्स डॉट सी एस एस में, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, इसको क्लोज कर देते हैं और अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ यूआई में चेंजेस आपको मिलेगा। हाँ थोड़ा यहाँ पर अजीब आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले, सारा सेटअप हमारा हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, साथ में लोग हुक्स भी यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि बहुत ईजिली हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर सीन ऐसा है कि आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, मतलब दो तरीके से, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये था कि आप या तो पहले पूरा सेटअप कर लो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का और फिर आगे फिर उसको यूज, मतलब सेटअप करके उसको एक इंजेक्ट कर दो और फिर यूज करते रहो, या फिर क्या होता है हम लोग जैसे कि पहले आपने ऐसा नॉर्मली हार्ड कोड करके बना लिया, मतलब सब कुछ स्टेट यूज करके, और फिर बाद में आपने क्या किया कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट किया और उसको फिर ट्रांसफॉर्म किया ऐप को, ठीक है, ऐप को अपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे बहुत सारे वीडियो में दिखाता हूँ कि पहले नॉर्मल दिखाता हूँ फिर बाद में वो चीज चीज का टॉपिक होता है उसको यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट करता हूँ फिर बाद में, मतलब पहले हम लोग अपना सेटअप कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। सिंपली पहले करने से क्या होगा ना कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि बाद में तो आपको ऐप को ट्रांसफॉर्म करना है, बाद में फिर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट करना है तो कुछ चेंजेस फिर करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं पहले ही कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि बाद में हमें कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ उसके लिए सोर्स में एक फोल्डर बना लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट करके फोल्डर यहाँ बना लेता हूँ और इसके अंदर हम लोग जितने भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई का फाइल्स होगा इसके अंदर रखेंगे। तो बहुत सारा हो सकता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसे मैच कर जा रहा है, यहाँ पर रिडक्स के जैसा ही सब कुछ यहाँ पर होगा लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्योंकि ये टू डू का है तो सिंपली मैं लिखता हूँ टू डू प्रोवाइडर, ठीक है। अब टू डू प्रोवाइडर क्यों, आप बोलोगे प्रोवाइडर क्यों, मतलब इसके साथ प्रोवाइडर क्यों, क्योंकि अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जो पहले था, मतलब अभी तो हुक्स आया, हुक्स से पहले इसमें प्रोवाइडर और कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट था, मतलब प्रोवाइडर जो कि डेटा प्रोवाइड कर रहा है और कंज्यूमर जो कि उस डेटा को ले रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो बाकी कॉम्पोनेंट्स होते थे उनको कंज्यूमर का कुछ उसमें करना पड़ता था सेटअप वेटअप, तो सिंपली उसी से ये आया तो प्रोवाइडर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं, तो पहले मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करता हूँ, इम्पोर्ट रिएक्ट पैकेज से रिएक्ट को इम्पोर्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर करता हूँ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, या फिर डायरेक्टली आप रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को अलग से इम्पोर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट टू डू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर लिखना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, आपको कॉल करना है इस मेथड को जो कि हमने अभी इम्पोर्ट किया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है।
अब यहाँ पर क्या करना कि इस अब यहाँ से ना दो चीज एक्सपोर्ट होगा जो बाहर में एक्सटर्नली इंपोर्ट किया जाएगा, तो ये टू डू कॉन्टेक्स्ट भी एक्सपोर्ट होने वाला है यहाँ से, क्योंकि इसको इसी ये जो है ना यही होल्ड करके रखेगा सारे डेटा को। तो सिंपली हमें क्या करना होगा कि इसको एक्सपोर्ट कर देना होगा, तो मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, टू डू कॉन्टेक्स्ट एक्सपोर्ट इसलिए लिखा क्योंकि बाहर से इसको एक्सेस करना पड़ेगा तभी हम लोग इसके डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट कंपोनेंट, जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट टू डू प्रोवाइडर, टू डू प्रोवाइडर जो कि फाइल का भी नेम है, इक्वल टू प्रॉप्स जो कि एज ए पैरामीटर जा रहा है, प्रॉप्स जो कि कंपोनेंट में होता है नॉर्मली, कंपोनेंट ही ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सीन है, हमें इनिशियल स्टेट बनाना पड़ेगा जैसे हम लोग रिडक्स में बनाते थे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, जिसमें कि मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ जिसमें टू डूज करके होगा, जिसमें सारा हमारा टू डूज होगा, मैं एमटीएस में रख रहा हूँ, ठीक है। एक लेते हैं करेंट टू डू, जिसमें कि अपडेट करेंगे तो करेंट टू डू उसमें स्टोर कर रखेंगे, तो इसको मैं नल रख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा दो ही डेटा मल्टीपल डेटा हो सकता है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें लेना कॉन्स्ट, ठीक है। उससे पहले हमें एक और चीज इम्पोर्ट करना पड़ेगा, यूज रिड्यूसर, यूज रिड्यूसर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पर अगर स्टेट जो रिटर्न होकर आएगा डिस्ट्रक्शन के साथ, ये फंक्शन जब कॉल करेंगे यूज रिड्यूसर अभी आपको देखने को मिलेगा, और एक ठीक है। तो आपको याद है कि रुको मैं पहले सही से लिख लेता हूँ डिस्पैच, अब अरे यार क्या हो गया डिस्पैच, ठीक है। तो अब आपको याद होगा कि हमें एक्शंस बनाने होते हैं रिडक्स में, हमें और क्या रिड्यूसर बनाना होता है, दो चीज होता है ना, तो इसमें हम लोग दो चीज जरूर बनाएंगे, रिड्यूसर भी बनाएंगे और एक्शन भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें लिखना है यूज रिड्यूसर, और यहाँ पर हमें पहला रिड्यूसर देना है, ठीक है। तो रिड्यूसर तो हमने अभी तक बनाया नहीं है, और हमें दूसरा स्टेट देना है, तो स्टेट तो हमने क्रिएट कर लिया इनिशियल स्टेट, तो रिड्यूसर हम बना लेते हैं ये टू डू प्रोवाइडर कंपोनेंट के ऊपर। तो मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पर रिड्यूसर, और मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट टू डू रिड्यूसर। अब रिड्यूसर क्या लेता, दो चीज लेता, तो स्टेट लेगा और एक्शन, जिसमें कि पेलोड होता है और टाइप होता है, मतलब डिपेंड करता है कि एक्शन क्या, उसके हिसाब से एक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं ना। अपने रिडक्स मेरा वीडियो देखा हो तो पूरा समझ में आ जाता होगा, क्योंकि पूरा का पूरा भाई सेम टू सेम उसके जैसा, थोड़ा बहुत चेंजेस है इंप्लीमेंट करने में, लेकिन बाकी एग्जैक्ट वही है दोनों स्टेट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। रिडक्स समझ सकते हो बड़ा भाई और ये उसका छोटा भाई है, और कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। अब यहाँ पर लेंगे हम लोग स्विच, जैसे कि उसमें भी होता था उसके भी रिड्यूसर में, ठीक है, पूरा सेम है। यहाँ पर एक्शन डॉट टाइप, तो एक्शन डॉट टाइप के बेस पे जो भी होगा एक्शन टाइप हम लोग भेजेंगे, और टाइप के बेस पे यहाँ पर एक्शन परफॉर्म होगा। अभी के लिए मैं सारे टाइप नहीं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, सिंपली डिफॉल्ट करा दे रहा हूँ, डिफॉल्ट रिटर्न स्टेट, ठीक है। तो अगर कोई भी केस नहीं, क्योंकि फर्स्ट बार में क्या होगा, सॉरी डिफॉल्ट केस है तो हमें यहाँ पर कॉलन देना होता है, तो डिफॉल्ट रिटर्न स्टेट, तो फर्स्ट बार में क्या होगा कि वो डिफॉल्ट ही जाता है, क्योंकि कोई टाइप तो भेज नहीं रहे, इसलिए हमें ये चीज ये लाइन देना ही पड़ता है डिफॉल्ट रिटर्न स्टेट। बाकी टाइप जैसे क्रिएट टू डू, अपडेट टू डू, डिलीट टू डू और सेट करेंट टू डू वगैरह वगैरह सारा हम लोग करेंगे सेट अभी नहीं, ठीक है। अभी बस सिंपली डेटा को देखते हैं कैसे एक्सेस करना, और बाकी सब सारा सेटअप अभी कर लेते हैं इनिशियल सेटअप। तो हमने तो रिड्यूसर क्रिएट कर लिया, अब जो पहला यहाँ पर जाएगा पैरामीटर वो होगा टू डू रिड्यूसर जो कि हमने अभी क्रिएट किया, दूसरा जाएगा स्टेट जो कि इनिशियल स्टेट है, ठीक है। अब ये यूज रिड्यूसर हमने दो भेज दिया, अब ये जो रिटर्न करेगा ना सिंपली स्टेट और डिस्पैच फंक्शन रिटर्न करेगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन के थ्रू यहाँ पर आ रहा है, तो पता है ये चीज जो है ना, ये सिंटैक्स देखने से आपको थोड़ा अजीब लगता होगा, ये सिक्स का फीचर है, मतलब क्योंकि हम लोग ये चीज ज्यादा यूज नहीं करते, पहले करते नहीं थे, तो थोड़ा सा माइंड भी मतलब थोड़ा अजीब लगता है देखने से, यार ऐसे कैसे, मतलब यहाँ पर ये तो एरे है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सिंपली ये रिटर्न करता है, ठीक है, एरे के मतलब इसमें। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमें रिटर्न कराना होगा कंपोनेंट, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे रिटर्न, मुझे यहाँ तक लगता है सब कुछ सही है, हम लोग लिखेंगे रिटर्न, और यहाँ पर जैसे कंपोनेंट में रिटर्न कराते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये जो हमारा टू डू, यहाँ पर जो टू डू यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू डू कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। ये अब यहाँ पर सीन क्या है, इसके अंदर हमें भेजना होगा प्रॉप्स डॉट चाइल्ड, जो कि मैंने प्रॉप्स यहाँ रखा है ना, प्रॉप्स डॉट चाइल्ड। अब क्या सीन होगा आपको मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, आपको अभी मैं समझा दूंगा, थोड़ा समय पहले इसको इंजेक्ट इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको ये समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या सीन है, अभी थोड़ा अजीब लगता होगा चिल्ड्रेन, ठीक है, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो। और जो हमें ना यहाँ पर क्या करना है मैं बताता हूँ, यहाँ पर हमें वैल्यू भेजना होता है, ठीक है, कि हम लोग क्या भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर डबल कर्ली ब्रेसेस, एक कर्ली ब्रेसेस क्योंकि हमें जो डेटा पास करना होता है तो हमें सिंगल कर्ली ब्रेसेस देते हैं, और दूसरा ये कि हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसको भेज रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे मैं दे रहा हूँ टू डूज, ठीक है, पहला वैल्यू मैं भेज रहा हूँ टू डूज। अब टू डूज में क्या भेजूंगा, जो हमारा स्टेट, ये स्टेट ना, ये स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल स्टेट को, क्योंकि देखो स्टेट हमने क्या दिया, रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट। तो सिंपली ये फंक्शन क्या किया, हमें रिटर्न किया स्टेट में ये डेटा आ जाएगा सारा, ये जो भी है। तो हम लोग अगर लिखते हैं टू डूज इक्वल टू स्टेट डॉट टू डूज, ठीक है, स्टेट डॉट टू, ये देखो ये रहा स्टेट, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
लिस्टेड डॉट टू डूज, फिर हमें करेंट टू डू भेज देते हैं, फिर लिखते हैं करेंट टू डू। अगर आप यहाँ पर नहीं भेजेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं, तो आप एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पर भेजना पड़ेगा साथ में। तो करेंट टू डू इक्वल्स टू स्टेट डॉट करेंट टू डू, ठीक है, ये रहा। अब और भी कुछ भेज सकते हैं, जो हम अभी हम लोग बनाएंगे एक्शन बनाएंगे, तो एक्शन जो सिंपली एक मेथड होता है जो कि रिटर्न करता है और डिस्पैच होता है जो वगैरह वगैरह, वो एक्शन को भी हम लोग यहाँ पर जब बनाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो वो भी भेजेंगे हम लोग यहाँ पर, अभी के लिए बस ये दोनों रहने देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर सिंपली हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू प्रोवाइडर, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू, हमने यहाँ से दो चीज एक्सपोर्ट किया, ये टू डू प्रोवाइडर और देखना एक ये एक्सपोर्ट किया। तो सिंपली जब हम लोग इसका डेटा एक्सेस करेंगे तो हम लोग इस चीज को इंपोर्ट करेंगे टू डू कॉन्टेक्स्ट टू, क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। और सिंपली ये टू डू प्रोवाइडर हम लोग इसलिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको एज ए रैपर यूज करना है, रैपर मन समझ लो कि एकदम टॉप पेरेंट कंपोनेंट, क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहा है डेटा, तो हम लोग इसको एड्रेस में, ये जितना भी आपका कोड होगा, अभी तो 3 लाइन का, मान लो 500 लाइन का या 1000 लाइन का कोड है, जो भी है आपको हमेशा टॉप पे रखना होगा। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा सिंपली, यहाँ से तो एक्सपोर्ट हमने कर दिया, अब यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट डॉट स्लैश कॉन्टेक्स्ट स्लैश टू डू प्रोवाइडर, और क्योंकि डिफॉल्ट वो हुआ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू प्रोवाइडर, अब देखेंगे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ ना, तो हम लोग को यहाँ पर करली ब्रेसेस नहीं देना पड़ता, और आप एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो हम लोग लिखते हैं टू डू प्रोवाइडर, तो हमें यहाँ करली ब्रेसेस नहीं देना पड़ेगा सिंपली, और हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डाल देंगे टू डू प्रोवाइडर, इसको मैंने कट कर लिया, अब टू डू प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर ये टू डू प्रोवाइडर हमने इंपोर्ट किया उसके अंदर इसको डाल देना है, ठीक है, इसको सेव करते हैं, और मुझे नहीं लगता कुछ एरर वगैरह आएगा, ये तो कुछ भी नहीं है, सही है, ठीक है। हम आपको एज ए रैपर इसको यूज करना है, पेरेंट रैपर, ठीक है। अब देखो सीन क्या था, मैं फिर से नहीं आपको ये चीज समझा देता हूँ, ये जो था ना प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, अब क्या कि ये टू डू कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये टू डू प्रोवाइडर जो कंपोनेंट एक्चुअली में रिटर्न कर रहा है ये, ठीक है, तो टू डू कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और इसके अंदर प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन अगर आप एक्चुअल में देखोगे कॉन्सोल पे लॉग करके, तो सिंपली यही है, क्योंकि इसके अंदर ये जा रहा है तो इसका चिल्ड्रन यही हुआ ना, तो हम लोग अगर यहाँ पर नहीं लिखेंगे ना प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, तो क्या होगा कि ये आएगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर मैं इसको कट करके दिखाऊँ आपको, ये देखो नहीं आ रहा है ना, तो सिंपली इसीलिए, तो प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन यही इसके अंदर जो भी कोड है वो एज अ चिल्ड्रन आ रहा है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन के थ्रू, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, ठीक है, समझ में आ गया। और ये डेटा जा रहा है एज अ वैल्यू, तो ये अगर नहीं देंगे तो हमें वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हम लोग इसको सेव कर लिया। अब क्या करेंगे, अब अगर मैं आपको दिखाऊंगा, बोलो भाई डेटा कहाँ दिखाओ, मतलब कहीं कैसे देख सकते हैं, क्योंकि रिडक्स के टर्म में हम लोग रिडक्स खोलते थे यहाँ पर, ठीक है, आपको पता होगा, अभी तो कुछ डेटा नहीं है इसलिए रिडक्स में दिखा नहीं रहा, बट उसमें कैसे करेंगे, तो ये कंपोनेंट में जाते हैं। अब ये एक्सटेंशन है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल क्रोम पे जाके, एक्सटेंशन जो उसका स्टोर जैसा प्ले स्टोर होता है नॉर्मली मोबाइल के लिए, उसका स्टोर है, सिंपली प्लस पे जाएंगे और यहाँ पर एप्स में जाएंगे, यहाँ पर आपका वेब से रहता है, यहाँ पर वेब स्टोर में सर्च करेंगे रिएक्ट डेव टूल्स वगैरह करके, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कंपोनेंट में जाते हैं, ये देखो टू डू प्रोवाइडर आ गया, अब देखो टू डू प्रोवाइडर में यहाँ पर डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है, टू डूज ये देखो है ना, जो कि सिंपल एरे एकदम ब्लैंक एरे, और करेंट टू डू जो कि नल है, जो कि हमने सेट किया, अगर आप गौर से देखोगे ये देखो है ना, लेकिन मैंने बोला ना कि वैल्यू में जब तक भेजते नहीं तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको शो ही नहीं करेगा। जैसे मैंने इसको कट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें अभी भी देखो टू डी इसमें नल दिखा रहा है, इसमें एरे, ठीक है। तो सिंपली आपको मतलब एक्सेस करने के लिए वैल्यू आपको यहाँ पर पास करवाना पड़ेगा, वैल्यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर नहीं, जब पास नहीं करवाएंगे तो आप एक्सेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग सिंपली कि अब टू डूज में थोड़ा डेटा फिल कर देता है डमी डेटा, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो प्लेस है जेसॉन प्लेस होल्डर, वहां से हमें टू डू मिल जाता है बहुत सारा, 200 से ज्यादा, लेकिन हम लोग उतना नहीं चाहिए, अभी 4-5-6 ले लेते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से 5 उठा ले रहा हूँ, ठीक है, मैं 4 ही उठा ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं, और मैं इसको ये टू डूज के अंदर फिल कर देता हूँ, ठीक है, ये रहा। और अगर मैं इसको मिनिमाइज थोड़ा कर देता हूँ और देखते हैं इसको क्या सीन है, फिर से चेक कर लेते हैं यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स में जाते हैं टू डू प्रोवाइडर में, ये देखो, तो ये टू डूज में 4 एरे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और टू डूज कंपोनेंट वगैरह बनाएंगे, बहुत ही इजीली देखेंगे कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आगे, ठीक है। तो ये था कि कैसे सेटअप करना, ये हमारा सेटअप हो गया ये का। अब रिड्यूसर तो हमें यहाँ पर टाइप्स भी बनाना है, जैसे रिडक्स में होता है एक्शन भी बनाना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब क्या करते हैं, सिंपली कोड एडिटर पे जाते हैं और यहाँ पर जो टू डू प्रोवाइडर है, अब इसका काम खत्म हो गया अभी अभी के लिए, अभी इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर टू डूज डायरेक्टली यहाँ पर हम नहीं डालने वाले, तो अलग एक कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी बाकी रिड्यूसर और एक्शंस वगैरह हम लोग बनाएंगे, अभी उसको जरूरत नहीं है, डेटा को एक्सेस करना हमारा पहला काम है, तो वो बना लेंगे जब हम लोग क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, तब उसके हिसाब से बना लेंगे। आप पहले ही बना सकते हैं, तो मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपली जो है कंपोनेंट्स एक फोल्डर बना लेते हैं, कंपोनेंट्स, सॉरी हिंदी में टाइपिंग हो रहा है क्योंकि हिंदी फ़ॉन्ट पे रखा हुआ है इसीलिए, ठीक है।
और यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं टू डूज डॉट जी एस, ठीक है। ओह क्या हो गया यार, शिट, रुक जाओ रुक जाओ, इसको मैं एक फाइल बनाते हैं टू डूज डॉट जी एस, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, इम्पोर्ट, क्या हो रहा है, ठीक है, इम्पोर्ट रिएक्ट से रिएक्ट पैकेज को, रिएक्ट क्लास को इम्पोर्ट करते हैं, और यहाँ पर सिंपली लिखते हैं कॉन्स्ट टू डूज, ठीक है। अगर प्रॉप्स चाहिए होगा तो फिर भी हम लोग लिखते हैं प्रॉप्स, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपको प्रॉप्स चाहिए हो, तो सिंपली एज ए पैरामीटर प्रॉप्स आप पास कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नहीं भी पास करवाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और सिंपली यहाँ रिटर्न करते हैं, रिटर्न मैं सिंपली अभी के लिए एच वन टैग दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ टू डूज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सीन है कि ये टू डूज लिखने के बाद इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, तो मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट, ये एक्सप्लिक ऐप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, लिखते हैं टू डूज, ठीक है। और इसको ऐप जेएस में जल्दी से डाल लेते हैं, तो मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट से टू डूज को, और यहाँ लिखते हैं टू डूज, क्योंकि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हुआ तो हमें कर्ली ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं है, और इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ देता हूँ टू डूज, जो कि कॉम्पोनेंट अभी हमने इम्पोर्ट किया है, इसको सेव करते हैं, और यहाँ पर इस तरह से आ गया, चलो कोई नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर टू डूज में हम लोग एच वन तो नहीं देने वाले, तो मैं यहाँ पर सिंपली एक डिव एलिमेंट देता हूँ जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ, सॉरी क्लास नेम, क्या हो गया था यार, कभी कभी क्लास नेम देते हैं इसका टू डू, ठीक है। थोड़ा मैंने स्टाइलिंग किया हुआ तो वो तो मैंने पहले ही ये कर दी, ये तो सारा कुछ आ रहा है, शेडो वेड और वगैरह, तो सब कुछ तो स्टाइल्स में मैंने आपको दे दिया, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो गिटहब से वो उठा के एफ डॉट सी एस के अंदर जो भी था, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज़ जाएगी, तो इनपुट जाएगा, तो मैं देता हूँ इनपुट, आप फॉर्म देते हैं क्योंकि फॉर्म टैग होगा, ठीक है। फॉर्म के अंदर मैं देता हूँ इनपुट, जिसका मैं क्लास देता हूँ टू डू इनपुट, तो आप चाहे तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो क्लास एफ डॉट सी एस में जाके, कुछ भी अगर कलर वगैरह चेंज करना सेम क्लास का, ठीक है। ये तो आ गया इस तरह से, और इसका प्लेस होल्डर देते हैं कुछ कुछ यहाँ पर देते हैं, तो ये टाइप टेक्स्ट रहेगा, टाइप टेक्स्ट, और फिर देते हैं यहाँ पर प्लेस होल्डर, क्या हो गया यार, प्लेस होल्डर इंटर योर टू डू, ठीक है। तो इस तरह से आ रहा। अब क्या करते हैं, अब टू डू बॉडी को यहाँ पर हमें डालना है, ठीक है। तो सीन क्या है उसका, ये तो फॉर्म रहा हमारा, तो मैं इवेंट टैग देता हूँ, इसका क्लास नेम मैं देता हूँ टू डू बॉडी, ठीक है। इसके अंदर हमें टू डूज देना, तो अब उसके लिए इसको सेव करते हैं, तो उसके लिए हमें तो टू डूज को एक्सेस करना पड़ेगा ना उससे, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप जो है रिएक्ट पैकेज से हम लोग इंपोर्ट करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। पहला स्टेप यूज कॉन्टेक्स्ट को कर दिया, अब सेकेंड स्टेप ये है कि आपको उस कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, किस कॉन्टेक्स्ट को, जिसको हमने एक्सपोर्ट किया था। अगर आप देखोगे गौर से, फिर से मैं दिखाता हूँ, देखो ये हमने एक्सपोर्ट किया था ना, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये तो कंपोनेंट रिटर्न हो रहा है, ये जो कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से, और ये जो हमने इसको एक्सपोर्ट किया, तो इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, सिंपली एक्सपोर्ट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देके एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे इम्पोर्ट, आई एम प्लीकेट ऐप प्रेस कर रहा हूँ, और डॉट डॉट स्लैश बाहर जाते उस लोकेशन तक कॉन्टेक्स्ट स्लैश टू डू प्रोवाइडर, अब कर्ली ब्रेसेस देते हैं और यहाँ लिखते हैं टू डू कॉन्टेक्स्ट, एग्जैक्ट सेम नहीं देना है तो एरर आ जाएगा, क्योंकि टू डू कॉन्टेक्स्ट जो कि हमने यहाँ से एक्सपोर्ट करे थे टू डू कॉन्टेक्स्ट की, तो ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग यहाँ पर एक्सेस करेंगे, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ नीचे और मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट टू डू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, स्मॉल लिख रहा हूँ ना कि कैपिटल, देखो ये कैपिटल में लिखा हुआ, यहाँ पर मैं स्मॉल लिख रहा हूँ टू डू कॉन्टेक्स्ट, और इक्वल्स टू लिखता हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट जो फंक्शन है इसके अंदर हमें पास कराना है वो कॉन्टेक्स्ट जो हमने इम्पोर्ट किया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं पास कराता हूँ टू डू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अब ये टू डू कॉन्टेक्स्ट में ये स्टोर हो गया सारा डेटा, ठीक है। अब मैं कॉन्सोल पे आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, मैं कॉन्सोल पे अगर लिखता हूँ पहले टू डू कॉन्टेक्स्ट और मैं सेव करता हूँ, अगर मैं अभी राइट यहाँ पर कॉन्सोल पे जाऊँ, एक सेकंड, अनडिफाइन क्यों आ रहा है भाई, सिक्स यूज कॉन्टेक्स्ट, ओह सॉरी मैं टू डूज यार सॉरी मैं तो आ क्यों नहीं रहा है, टू डू कॉन्टेक्स्ट, टू डूज आ गया कहाँ से, तो ये देखो डेटा हमारा आ गया ना, टू डूज आ गया, चार जो टू डूज थे और करेंट टू डू। अगर मान लो मैं एग्जांपल के तौर पर को बता रहा हूँ, कुछ और डेटा पास कराना चाहता हूँ, जैसे मैं देता हूँ कुछ भी, जैसे वैल इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब सेव करता हूँ, देखना यहाँ पर वो डेटा हमारे पास आ जाएगा, ये देखो वैल 100 आ गया ना, तो जो भी डेटा हमें यहाँ पर पास कराना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर पास कराना पड़ेगा इस तरह से, तो मैं क्लोज करता हूँ अभी के लिए, तो हमारे पास अभी टू डूज आ गए। तो इसमें बस इस ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें, करेंट टू डू है, टू डूज है, तो हम लोग क्यों ना इसको डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ताकि उसको इजीली एक्सेस कर पाए। आप डायरेक्ट लिख सकते हो टू डू कॉन्टेक्स्ट डॉट टू डूज डॉट मैप, ठीक है। जैसे यहाँ पर है यूएल के अंदर कर्ली ब्रेसेस देता हूँ, मैं लिखता हूँ टू डू कॉन्टेक्स्ट
डॉट टू डूज डॉट मैप, जिसके अंदर जाएगा टू डू, मतलब क्योंकि मैप फंक्शन क्या करता है, हर एक आइटम के लिए रन करता है लूप ना, तो हर एक आइटम को मैं एज ए टू डू मान ले रहा हूँ, पैरामीटर है ठीक है। और ये रिटर्न करेगा क्या, तो उस रिटर्न क्या करेगा, तो आप सिंपली करली ब्रेसेस देकर रिटर्न करके उस एलिमेंट को रिटर्न करा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट तरीके यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमने तो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करना नहीं है कि ये है वो है, हमें सिर्फ रिटर्न कराना है। तो हम लोग सिंपली अगर राउंड ब्रैकेट देंगे और उसके अंदर कुछ भी लिखेंगे ना तो रिटर्न करेगा। जैसे मैं देता हूँ एलाइट है, क्योंकि यूएल के अंदर एलाई जाता है, एलाई देता हूँ मैं और टू डू ठीक है, देखना अभी क्या होगा, सिंपली ये रिटर्न करेगा, चार बार किया क्योंकि चार टू डूज थे हमारे पास ठीक है। तो इस तरह से क्योंकि रिटर्न कर रहा है सिंपली, तो आप इस तरह राउंड ब्रैकेट दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर एलाई पे लिखता हूँ टू डू डॉट टाइटल, अगर आप चेक करोगे यहाँ पर सेव करते हैं ये तो आ गया, अगर चेक करोगे इस पे तो यहाँ पर टू डू में टाइटल एक प्रॉपर्टी है, ये तो टाइटल है, आईडी है। अब एक एरर नहीं, इसको वार्निंग बोलेंगे, ये तो वार्निंग आ रहा है कि ये बोल रहा है इच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की, तो ये इंटरनल इसका वर्क है, तो हमें इसके लिए एक यूनिक की देना पड़ेगा ठीक है, ताकि ये कुछ कैलकुलेशन रिएक्ट करता है इंटरनली मुझे जहां तक लगता है, तो उसके लिए हमें देना पड़ता है और इसको देना चाहिए ठीक है। तो सिंपली बहुत ही सिंपल है, यूनिक की यूनिक होना चाहिए, तो कोई आईडी जो हमारा यूनिक है तो क्यों ना आईडी को हम लोग एज ए की यूज करें। तो एलआई में यहाँ पर की एट्रीब्यूट यहाँ देते हैं और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं टू डू डॉट आईडी, तो हमें ये एरर अब मतलब ये वार्निंग नहीं देगा ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आ गया, लेकिन हमें यहाँ पर आइकन्स भी ऐड करने हैं। अगर मैं आपको ओरिजिनल प्रोजेक्ट दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो उसमें क्या था कि इसमें इधर इधर डिलीट का था और इधर ये था, उसके लिए मैं मटेरियल आइकन यूज करता हूँ। तो जल्दी से जाता हूँ, मैं तो मटेरियल मटेरियल आइकन्स ठीक है, मटेरियल आइकन्स, और यहाँ पर जाता हूँ जल्दी से और क्या करते हैं थोड़ा सा हाँ। तो हम लोग डेवलपर गाइड पे जाते हैं और यहाँ पर सर्च कर लेते हो, लिंक टैग कहीं पर होगा, ये देखो इसका CDN लिंक है, हालांकि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं npm से भी, लेकिन मुझे ये सही लगा। तो मैं index.html में जल्दी से जाता हूँ और यहाँ पर ये ठीक है। अच्छा टाइटल चेंज करता हूँ क्योंकि हर वीडियो में भूल जाता हूँ टाइटल चेंज करना, तो मैं लिखता हूँ रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट टू डू, इस तरह से लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा लगे मतलब ठीक है। तो हमारा हो गया, अब मैं बैक जाता हूँ, दो आइकन हमें चाहिए, तो मैं पहला जो ले रहा हूँ ट्रैश मतलब जो कि डिलीट के लिए यूज होता है ट्रैश, ये देखो ये रहा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे, उसको कॉपी कर लेना है और सिंपली पेस्ट कर देना है। तो एलआई में मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर नहीं आएगा, देखो माउस ले जा रहे तब आ रहा है, तो ये मैंने स्टाइलिंग कर दिया है, CSS फाइल में सब कुछ दिया, तो टेंशन नहीं लेना। ये कैसे हो रहा है सिंपली कि बाय डिफॉल्ट मैंने इसको डिस्प्ले नॉन पे सेट कर दिया, तो ये क्या हुआ इनविजिबल रहेगा, लेकिन जब इस पर ओवर हो रहा है मतलब माउस ले जा रहा है, तो इसका मैं डिस्प्ले ब्लॉक सेट कर दे रहा हूँ, तो अब क्या हो रहा है कि दिख जा रहा है ठीक है। तो मैंने CSS में सारा कोडिंग करके रख दिया, आपको टेंशन नहीं लेना है ये देखो। और इधर हमें चाहिए ये क्या बोलते हैं एडिट के लिए, तो मैं चाहता हूँ उसके लिए पेन या एडिट लिखेंगे तो आ जाएगा मुझे यहाँ तक लगता है, सॉरी पेंसिल लिखना पड़ता है, पेंसिल ये रहा पेंसिल लिखेंगे, तो ये एडिट के लिए। अब दोनों में से मुझे दोनों आइकन ही सेम दिख रहा, पता नहीं दोनों का नियम अलग अलग क्यों है, जो भी। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको बस ये टू डू टाइटल से ऊपर पेस्ट कर देते हैं ठीक है। ये तो अब हमें ये कहाँ गया, ये रहा, ये मिल रहा है ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर और एक वार्निंग दे रहा है क्लास, तो हमें क्लास नेम यूज करना है, ऐसा क्लास यूज करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों फालतू में वार्निंग वहाँ पर मैंने रहने देना, थोड़ा सा भद्दा टाइप से थोड़ा गंदा दिखता है, तो सही है चलो अब क्लीन हो गया ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है सिंपली, हम लोग चाहते हैं कि ऐड पे क्लिक करें तो ऐड और वगैरह वगैरह ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और रिफैक्टर करो, रिफैक्टर मतलब इसको कंपोनेंट को और थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ कंपोनेंट को ठीक है। तो मैं एक बना रहा हूँ सिंपली क्या बना सकता हूँ, एक दो यहाँ पर कॉम्पोनेंट बनाएंगे, एक फॉर्म के लिए सिंपली मैं बनाता हूँ टू डू इनपुट ठीक है। मैं लिखता हूँ टू डू इनपुट डॉट js ठीक है, और मैं फिर से लिखता हूँ इम्पोर्ट, क्यों नहीं आ रहा कभी पता नहीं, वो आता नहीं है, ये तो आ गया इम्पोर्ट स्निपेट जो है सिंपली। तो मैं अरे क्या हो गया यार, क्या क्या हो जा रहा है, हाँ तो मैं लिखता हूँ रिएक्ट पैकेज से हम लोग रिएक्ट क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं, और मैं सिंपली लिखता हूँ कॉन्स्ट टू डू इनपुट, जो कि इस फाइल का भी नेम है, इस कॉम्पोनेंट का भी नेम होने वाला है। मैं प्रॉप्स ले रहा हूँ और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैं रिटर्न कराऊंगा सिंपली क्या, जो मैं वहाँ से कट कर लेता हूँ ठीक है। ये देखो ये फॉर्म को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। और मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू इनपुट ठीक है, टू डू इनपुट ये रहा। तो हमारे यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो गया, अब इसको हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो मैं सिंपली लिखता हूँ इम्पोर्ट डॉट स्लैश, क्योंकि सेम लोकेशन पे, तो डॉट स्लैश टू डू इनपुट, और यहाँ पर लिखते हैं टू डू इनपुट ठीक है, ये हो गया। अब इस कॉम्पोनेंट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ठीक है। तो जितना हो सके कोड को अगर मतलब स्प्लिट कर रखते हैं तो काफी वो मेंटेनेबल और मतलब रियूजेबल बना सकते हैं उसको ठीक है। तो यहाँ पर सेम कुछ यहाँ पर एरर नहीं आ रहा, सेम टू सेम वही आ रहा है। अब हम लोग इसको थोड़ा बनाते हैं, रिफैक्टर करते हैं। तो सिंपली मैं ये जो रिपीट हो रहा है ना, इसको मैं टू डू बना रहा हूँ कॉम्पोनेंट, जो कि हर एक टू डू के लिए लूप चलेगा। तो मैं लिखता हूँ टू डू डॉट js,
और फिर मैं वही लिखता हूँ जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। ये कहाँ गया, टू डू इनपुट से ये कॉपी कर सकते हैं। ये रहा, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट टू डू इक्वल्स टू प्रॉप्स, जो कि पैरामीटर है और एरो फंक्शन है, तो सिंपली लिखते हैं रिटर्न। और रिटर्न क्या करेगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से ये जो है ना, ये कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बाद में कट कर लूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। और उसके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब ये बोल रहा है भाई देखो एरर दे रहा है, टू डू इसको मिल ही नहीं रहा है, टू डू कहाँ से आएगा, इसको प्रॉप्स आएगा। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ऐसे प्रॉप्स, क्योंकि एज ए प्रॉप्स जब डेटा पास कराते हैं तो प्रॉप्स ही देते हैं ना, तो प्रॉप्स डॉट टू डू ये आ गया। और हमें यहाँ पर नीचे एक्सपोर्ट करना, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, इसको मैं कट कर ले रहा हूँ, और क्योंकि सिंगल यहाँ पर आने वाला, तो मैं ये कर जो एक राउंड ब्रैकेट है उसको भी हटा दे रहा हूँ। तो ये रहा, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले टू डू कॉम्पोनेंट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, रुक जाओ, इम्पोर्ट डॉट स्लैश टू डू, ये रहा टू डू। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टू डू कॉम्पोनेंट देते हैं, तो टू डू एक तरह से उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप टू डू लिखते हो तो सिंपली यही कोड यहाँ पर पुट हो जाने वाला है, ठीक है, ये यहाँ पर पुट हो जाने वाला है, ठीक है। तो हम लोग उसको और मेंटेनेबल और क्लीन बना सकते हैं सिंपली अलग अलग ये करके। तो टू डू, और हमें प्रॉप्स पास करना, तो मैं लिख रहा हूँ टू डू इक्वल्स टू टू डू। तो टू डू एक प्रॉप्स है जिसमें कि टू डू जा रहा है, टू डू ये जो टू डू अंदर का वैल्यू, ये क्या है, ये जो ये पैरामीटर हर एक बार लूप चलने वाला है ना, यही वैल्यू यहाँ पर जा रहा है एज ए प्रॉप्स टू डू में, और वो वहां से एक्सेस कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को और यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, इसको ऑटो क्लोज कर देते हैं, इस तरह से सेव करते हैं, देखो सही है ना। लेकिन फिर यूनिक की मांग रहा है, तो हाँ हमने यूनिक की तो दिया नहीं, यूनिक की मैंने यही रख दिया, रुक जाओ मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ। यूनिक की हमें यहाँ पर देना, ना कि वहां पर, जहाँ मैप होता है ना वहीं पर देना, तो पहले तो बाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो गया, अच्छा प्रॉप्स डॉट नहीं, यहाँ पर टू डू डॉट आई डी, क्योंकि ये टू डू यहाँ पर है ना ये, ठीक है। अब सीन क्या है कि मैं थोड़ा डिस्ट्रक्शन में बोल रहा था, देखो यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा है, टू डू कॉन्टेक्स्ट डॉट टू डूज डॉट वगैरह इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्शन थोड़ा कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कॉन्स्ट टू डूज, मतलब टू डूज इक्वल्स टू डू कॉन्टेक्स्ट। तो क्या होगा कि टू डू कॉन्टेक्स्ट उसको खींच के बाहर निकाल दिया इसने टू डूज को, तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो हमें इस तरह से लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमने कर दिया, थोड़ा क्लीन दिख रहा है। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ये देखो प्रॉप्स डॉट टू डू प्रॉप्स डॉट ये वो नहीं, लेकिन एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे रख सकते हैं, सिंगल है तो आपको जैसा मर्जी वहाँ पर भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर सारा सेटअप हो गया, तो हमें यहाँ पर तीन चार चीज़ें अभी करना है, करड़ ऑपरेशन करना है, मतलब कुछ लिखे यहाँ पर और एंटर किया तो क्रिएट हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी सब कुछ डिफॉल्ट है, इसलिए तो यहाँ पर तीन चार चीज़ें होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए, एडिट होना चाहिए मतलब अपडेट होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए और रीड भी, ठीक है। तो अभी हम लोग अभी मतलब क्योंकि ये जो टू डू प्रोवाइडर में लोकल डेटा है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मतलब वो सर्वर से डेटा लेंगे, वो भी करेंगे, ठीक है, दोनों ही करेंगे साथ में, सर्वर से भी डेटा लेंगे, ठीक है, जेसन प्लेस होल्डर से यहाँ से हिट करेंगे। लेकिन पहले लोकल डेटा का देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा सब कुछ क्रिएट हो गया, यूआई वगैरह सब कुछ ओके, अब हम लोग आगे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, और सारा अपना एक्शंस और रिड्यूसर क्रिएट करते हैं जैसे हम लोग रिडक्स में करते थे। तो ये सारे फाइल्स को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें जाना है कॉन्टेक्स्ट पे। तो अभी क्या करते हैं ना, एक फाइल बना लेते हैं इसमें कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, जिसमें कि हम लोग रखते हैं सारा टाइप्स, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे रिडक्स में था, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्टेंट्स डॉट जेएस, इसमें कि सारा टाइप होगा, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। तो इससे क्या होता है, इजिली उसको मेंटेन कर सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल में देखेंगे आप इस तरह यूज किया जाता है। अब ये रिड्यूसर है और उसमें भी रख सकते हैं, बट क्या होता है कि ये थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ पहले गेट टू डूज, ठीक है, पहले जो कॉन्स्टेंट है गेट टू डूज। तो ये जब सर्वर साइड से डेटा लेंगे तब ये यूज करेंगे, लेकिन अभी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, गेट टू डूज। फिर मैं देता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सेम ही होने वाला सब कुछ। तो एक क्रिएट के लिए, एक अपडेट के लिए, एक डिलीट के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसको मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो मैं दोनों जगह एक साथ ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं लिखता हूँ क्रिएट टू डू, दोनों जगह एक ही साथ हम लोग हो रहा है, तो क्रिएट टू डू होगा, बाकी गेट टू डूज होगा, बाकी सब टू डू होगा। उसका अपडेट है, तो इसको मैं फिर से सिलेक्ट कंट्रोल डी करता हूँ, दोनों सेलेक्ट हो गया, मैं लिखता हूँ अपडेट टू डू, ठीक है, अपडेट टू डू, ये रहा अपडेट टू डू। लास्ट में है डिलीट टू डू, ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट टू डू, ठीक है, इसको टू डू से टू डू, ये हमारा चार क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं, जाते हैं टू डू प्रोवाइडर में और चारों को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सिंपली मैं लिखता हूँ इंपोर्ट डॉट स्लैश कॉन्स्टेंट्स, अब यहाँ पर लिखते हैं गेट टू डूज, ठीक है, फिर क्रिएट टू डू, फिर अपडेट टू डू और फिर डिलीट टू डू। तो चारों हमने पहले एक साथ ही इम्पोर्ट कर लिया, ताकि फिर एक ही करके बार बार ना करना पड़े। तो अब क्या करते हैं, चारों को यहाँ पर केस डिफाइन करते हैं। तो मैं लिखता हूँ केस
आप एक ही करके भी कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएट टू डू कर रहे हैं तो फिर वहां पर जाकर कोडिंग कर रहे हैं फिर यहाँ पर आके, तो आप एक ही करके भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे गेट टू डूज का, तो गेट टू डूज का मैं अभी नहीं पता तो हम लोग छोड़ दे रहे हैं, जब हम लोग सर्वर साइड पे सर्वर से डेटा लेंगे तब भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही बार सब कुछ करना पड़ेगा। तो पहले क्रिएट टू डू का देख लेते हैं, तो क्रिएट टू डू का जब करेंगे तो देखो ये हाईलाइट इसलिए हो जा रहा है कि एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया तो उससे ये इफेक्ट पड़ रहा है, तो हो सकता है आपका नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्रिएट टू डू में क्या होगा, सिंपली हम लोग सॉरी यार ऐसा नहीं होगा ना, केस देना पड़ेगा, केस क्रिएट टू डू। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंपली रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न करते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे जो डेटा भी इनिशियल डेटा ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ये देखो अगर इनिशियल डेटा देखिए ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो हम लोग रिटर्न करेंगे ऑब्जेक्ट और अभी लिखेंगे डॉट 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 स्टेट बोल रहा हूँ स्टेट। तो सिंपली क्या होगा कि जो पहले का डेटा है ना वो भी रहेगा, नहीं तो क्या होगा कि वो भी हट जाता है और नया डेटा आ जाएगा, तो पुराना हट जाएगा नहीं तो, इसलिए हम लोग लिखेंगे ट्रिपल डॉट, ये स्प्रेड ऑपरेटर है, मतलब कि स्टेट में जो भी डेटा है वो पुट यहाँ पर हो जाएगा, फिर और जो चेंजेस करना उसके बाद हम लोग लिखेंगे, तो कंपेयर होगा और फिर नए चेंजेस चेंज हो जाएंगे, बाकी पुराना रहेगा, मतलब पुराना जो डेटा था वो मॉडिफाई होके आएगा एक तरह से। अगर ये नहीं लिखेंगे ना तो क्या होगा, नया वाला आएगा और बाकी सब हट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब हमें क्या चेंजेस करना है, क्रिएट टू डू में हमें हमारे पास टू डू आने वाला है, तो हम लोग सिंपली लिखते हैं टू डू। ठीक है, सॉरी टू डू नहीं, टू डूज, क्योंकि टू डूज ये है ना इसमें, तो इसमें एरे है, तो हम लोग यहाँ पर एरे देते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्शन डॉट पेलोड, क्योंकि पेलोड मतलब पेलोड में डेटा आता है, तो मैं लिखता हूँ एक्शन डॉट पेलोड, तो हमें हमारे पास यहाँ टू डू आएगा एज ए पेलोड, तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि एक्शन में दो चीज आता है टाइप और पेलोड, टाइप यहाँ पर जब मैच कर जाएगा क्रिएट टू डू और उसमें जो डेटा का पेलोड, तो वहाँ पर एरे में फिल हो जाएगा, लेकिन बाकी टू डूज भी तो हमें चाहिए ना, तो मैं कॉमा देता हूँ, मैं फिर यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर यूज करता हूँ डॉट 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 स्टेट डॉट टू डूज। ठीक है, स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल स्टेट को, ये जो यहाँ पर हमारा है। ठीक है, तो स्टेट डॉट टू डूज लिखेंगे तो पहले वाला टू डूज भी रहेगा और हमारा वाला जो टू डूज हमने एज ए पेलोड भेज रहे हैं वो फर्स्ट में ऐड हो जाएगा, तो टॉप में रहेगा, यहाँ लिखेंगे इसके बाद तो हमेशा बॉटम में आएगा, तो ये ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन मैटर करता है। तो हमारे यहाँ पर ये केस क्रिएट हो गया, रिड्यूसर में आप यहाँ पर एक्शन क्रिएट करते हैं, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ एक्शन। ठीक है, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट क्रिएट टू डू, जिसमें कि टू डू आने वाला है एज ए पैरामीटर, अभी आपको पता चल जाएगा जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे कोडिंग करेंगे। ठीक है, तब समझ में आ जाएगा, तो उसका मैं कर्ली ब्रेसेस देता हूँ। और हमें सिंपली डिस्पैच करना है, डिस्पैच देखो ये फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है स्टेट और डिस्पैच, तो स्टेट तो हम लोग यहाँ पर डेटा वैल्यूम भेज रहे हैं स्टेट डॉट टू डू स्टेट डॉट करेंट टू डू, और डिस्पैच से हम लोग डिस्पैच कर सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे टू डू आएगा तो हम लोग डिस्पैच करेंगे, उसका जो टाइप देंगे तो टाइप मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो टाइप क्या है क्रिएट टू डू। ठीक है, और पेलोड में वो डेटा चल जाएगा, तो हम लोग लिखते हैं पेलोड टू डू। ठीक है, तो जैसे ही डिस्पैच होगा ना तो क्रिएट टू डू होगा, तो रिड्यूसर मैच करेगा कौन सा केस मैच हो रहा है। ठीक है, तो एक्शन में ये टाइप प्रॉपर्टी है ना, तो ये टाइप देखो एक्शन डॉट टाइप स्विच में सब में चेक होगा, तो ये देख लिया कि हाँ क्रिएट टू डू मैच कर जा रहा है, क्योंकि हम लोग भेज रहे हैं क्रिएट टू डू टाइप। ठीक है, और फिर तब क्या होगा, सिंपली कि डेटा जो पहले का था वो तो रह ही जाएगा टू डूज में, एक्शन डॉट पेलोड जो कि हम लोग जो टू डू लेंगे उसको भेज रहे हैं पेलोड में, तो यहाँ पर पुट हो जाएगा एक्शन डॉट पेलोड में, यहाँ पर उस टू डू एरे में नया डेटा पुट हो जाएगा और पुराना वाला पुराना का रहेगा। ठीक है, तो ये था सिंपल प्रोसेस। अब यहाँ इतना करने से नहीं होगा, हम लोग को ये फंक्शन को ये जो एक्शन इसको भेजना पड़ेगा, तो हम लोग वैल्यू में भेजेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिएट टू डू, एक प्रॉपर्टी देता हूँ जिसका वैल्यू मैं दे रहा हूँ क्रिएट टू डू। ठीक है, ये रहा, हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन अब सीन क्या है यहाँ पर कि ES6 का फीचर है ऐसा है, शायद ES6 या ES7 का मुझे याद नहीं आ रहा, सिंपली अगर प्रॉपर्टी नेम और उसका वैल्यू भी सेम है, मतलब ये फंक्शन जा रहा है तो एक तरह से फंक्शन का नेम भी सेम है दोनों का नेम, तो आप सिंपली सिंगल लिख सकते हो, तो उसका मतलब भी वही होगा जो पहले था, तो आपको ऐसा भी लिख सकते हो ऐसा भी जो आपको सही लगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स में टू डूज इनपुट में, और हम लोग यहाँ पर जल्दी से इसका ये जो इनपुट एलिमेंट है ना इसका हम लोग यहाँ पर स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, तो मैं देता हूँ यूज स्टेट उसका डेटा को स्टेट स्टोर करने के लिए, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट टाइटल सेट टाइटल, और मैं यहाँ पर देता हूँ यूज स्टेट नल वैल्यू, मतलब सिंपली ब्लैंक एम्प्टी स्ट्रिंग है, और मैं क्या करता हूँ इसका वैल्यू सेट कर देता हूँ टाइटल। ठीक है, जो कि हमारा स्टेट है, ये हो गया, और मैं लिखता हूँ ऑन चेंज, हमें ऑन चेंज देना हुआ नहीं तो यूजर कुछ भी लिखेगा तो लिखाएगा नहीं। ठीक है, और एम्प्टी फंक्शन एक है, ठीक है, सिंपली इसमें मैं पास करता हूँ ई। ठीक है, आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, ई बात बराबर है। ठीक है, ई तो ई सिंपली इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम लोग लिखेंगे सेट टाइटल, तो सेट टाइटल हम लोग क्या करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में जो भी यूजर इंटर करेगा ना वो स्टोर हो जाता है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में, तो वही चीज हम लोग सेट टाइटल में पास कर रहे हैं, और सेट टाइटल में वो स्टोर हो जाएगा जो भी यूजर लिखेगा। ठीक है, अगर आप मैं आपको दिखाऊं भी इंस्पेक्ट एलिमेंट में कॉम्पोनेंट में जाते हैं यहाँ पर और टू डू इनपुट में, ठीक है, यहाँ पर देखो स्टेट अभी एम्प्टी है, तो अगर मैं कुछ लिखता हूँ कॉफी, ये देखो यहाँ पर लिखा गया ना, ये देखो यहाँ पर आ गया, तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और जैसे ये ऐड करेगा तो उसके लिए हम लोग देखते हैं ऑन सबमिट एक मेथड है, जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो इंटरफेस करेंगे तो ऑन सबमिट फायर होता है,
तो मैं यहाँ पर भी ई भेज रहा हूँ करली वर्सेस ई, और मैं एक मेथड बनाऊंगा अभी, अभी तक मैंने बनाया नहीं, मैं लिखता हूँ ऑन सबमिट, जिसमें मैं ई को पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब एरर दे रहा है क्योंकि मैंने वो बनाया नहीं है। सॉरी यार, ये हिंदी कीबोर्ड बार बार एक्टिव हो जाता क्यों। कॉन्स्ट ऑन सबमिट, जिसमें कि ई आने वाला है एज ए इवेंट, तो हम लोग लिखेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, नहीं तो क्या होगा ना, फॉर्म को जब भी सबमिट करेंगे इंटर करेंगे देखना ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल आता है, तो ये अपना डिफॉल्ट बिहेवियर को हम लोग इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग कॉल करते हैं हमेशा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं सी एल कॉन्सोल पर दिखाऊँ आपको टाइटल, ठीक है, जो भी यूजर इंटर करने वाला है, तो मैं लिखता हूँ जैसे कॉफी, इंटर करता हूँ तो कॉन्सोल पर देखना पक्का आ जाएगा ये तो कॉफी। ठीक है, तो फिर जैसे लिखते हैं मिल्क, इंटर करते हैं ये तो आ गया ना। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उस एक्शन को यहाँ से कॉल करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में हमने वैल्यू में पास करवाया था ना वो फंक्शन क्रिएट टू डू। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो पहले मैं लिखते हैं इंपोर्ट, और मैं लिखता हूँ डॉट डॉट स्लैश कॉन्टेक्स्ट स्लैश टू डू प्रोवाइडर ये रहा, और मैं लिखता हूँ टू डू, सॉरी क्योंकि मैं बार गलती कर देता हूँ, हमें टू डू कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना, ना कि टू डू प्रोवाइडर को, मतलब हालांकि फाइल का नेम ही है, बट हम लोग वहाँ से डिफॉल्ट कर रहे थे ना, डिफॉल्ट नहीं जो ये वाला इसको जो एक्सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसे प्लेस नेम को, ये रहा, और हम लोग इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली लिखते हैं हम लोग कॉन्स्ट टू डू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल्स टू यूज यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट को। और चीज मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये मैंने इंपोर्ट जो किया है कैपिटल में और ये स्मॉल में, तो यहाँ पर मत लिख दे रहा हूँ कैपिटल टू, तो वो एरर दे रहा है क्योंकि दोनों मैच कर जाएगा ना, इसीलिए। तो ये मैं स्मॉल में स्टोर कर रहा हूँ जो भी यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट, मैंने तो इंपोर्ट नहीं किया, वो चीज बता दे रहा हूँ, ध्यान देना, तो हो सकता है एरर आ जाएगा आप लोगों का भी। ठीक है, ये ध्यान देना। तो मैं लिखता हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं जो दे रहा हूँ टू डू कॉन्टेक्स्ट जो कि कैपिटल है जिसका टू डू, और ये मैं वेरिएबल सिंपली लोकल रख रहा हूँ जिसका नेम मैं स्मॉल दे रहा हूँ, इसको कैपिटल दूंगा तो एरर आ जाएगा शायद, क्योंकि ये ऑलरेडी है ना इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सेव करते हैं और देखते हैं यहाँ पर सीन क्या है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास ये देखो क्रिएट टू डू फंक्शन भी आ रहा है। ठीक है, जो सिंपली डिस्पैच कर रहा है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर क्रिएट टू डू फंक्शन आ रहा है जो कि सिंपली क्या कर रहा है, क्रिएट टू डू एक्शन है वो डिस्पैच कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अरे यार क्या खुल गया, हम लोग क्या करें, अब हम लोग इससे डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट टू डू डॉट क्रिएट टू डू, लेकिन डिस्ट्रक्शन कर ताकि और सिंपल क्लीन लगे कोड। तो मैं लिखता हूँ क्रिएट टू डू और इक्वल्स टू लिखते हैं टू डू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये रहा, तो उसे इसको खींच के बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमें एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट हम लोग ये टाइटल नहीं भेज सकते। अगर आप देखेंगे हमारा टू डू भी जो है वो इस तरह का ऑब्जेक्ट है जहाँ पर यूजर आईडी टाइटल, यूजर आईडी तो नहीं भेजेंगे चलेगा, लेकिन कंप्लीटेड आईडी टाइटल वगैरह वगैरह, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन हमारे पास आईडी भी चाहिए। तो आईडी के लिए मैं एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ, npm i install, जिसका मतलब होता है शॉर्ट आईडी। ठीक है, पैकेज का नेम क्या था, शॉर्ट आईडी शायद मैं देख लेता हूँ एक बार, npm शॉर्ट आईडी, हाँ इस तरह ही था, एक साथ ही, अच्छा शॉर्ट आईडी। ठीक है, और एंटर करते हैं तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। तो तब तक हम लोग क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल होने दे लेते हैं और हम लोग यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट न्यू टू डू इक्वल्स टू, यहाँ पर जाएगा आईडी तो जाएगा, अभी इसको पैकेज को इंस्टॉल होने देते हैं तब तक हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो टाइटल, टाइटल में जाएगा वो टाइटल का वैल्यू, टाइटल एक प्रॉपर्टी देना क्योंकि इस टू डू का, तो क्योंकि दोनों सेम ही होने वाला है तो सिंपली मैं टाइटल लिख रहा हूँ, टाइटल इक्वल्स टू टाइटल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम ही होगा, जैसे मैंने बोला कि जब सेम होगा तो वैसा छोड़ सकते हो। और कंप्लीटेड फॉल्स फॉल्स करते हैं क्योंकि यूजर टू डू क्ली यूजर ने टू डू को बनाया तो थोड़ी ना यूजर का टू डू तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग कंप्लीटेड फॉल्स देते हैं। ठीक है, ये हो गया, और हमें यहाँ पर आईडी देना है, तो आईडी में हमें यहाँ पर शॉर्ट आईडी को कॉल करना, भी इंस्टॉल ले रहा है थोड़ा सा, मेरा पता नहीं नेट कनेक्शन स्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे npm का यहाँ पर ये मिल जाएगा शॉर्ट आईडी का आपको रेफरेंस यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये तो पहले तो आपको इंपोर्ट कर लेना है और सिंपली शॉर्ट आईडी डॉट जनरेट को आप जैसे ही कॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आईडी पे कॉल कर देता हूँ शॉर्ट आईडी डॉट जनरेट को, जो कि अभी तक मैंने इंपोर्ट नहीं किया, एरर दे रहा, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंस्टॉल ये यार ले ही रहा है, पता नहीं क्या सीन है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर शॉर्ट आईडी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब टर्मिनल को, और अब क्या करते हैं, अगर इसको यूज करने के लिए मैंने आपको बता दिया इसको इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा, तो ये जो है शॉर्ट आईडी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो एकदम टॉप पे जाते हैं,
इम्पोर्ट शॉर्ट आईडी फ्रॉम शॉर्ट आईडी, ठीक है ये हो गया, तेरा हमारा चला गया। तो सिंपली शॉर्ट आईडी जो जनरेट करेगा तो आ जाएगा। तो अगर मैं कॉन्सोल पे ये न्यू टू डू भी आपको दिखा दूँ, न्यू टू डू उसको सेव करते हैं और कॉन्सोल पे यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ ठीक है कोडिंग, ठीक है और इंटर प्रेस करते हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट हमारे देखो आईडी भी आ गया, ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है आईडी, रैंडम आईडी, टाइटल कोडिंग है और कंप्लीटेड फॉल्स है। तो उसको हमें यहाँ पर किस तरह पुट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्रिएट टू डू जो हमने इंपोर्ट किया है वो एक्शन जो उसमें हमें पास कराना है, उस मेथड को कॉल करना है सिंपली। तो सिंपली हमें लिखना है क्रिएट टू डू, जो कि हमने टू डू कॉन्टेक्स्ट से यहाँ पर डिस्ट्रक्शन के जरिए बाहर इसको निकाला है ये रहा, या फिर हम सिंपली लिख सकते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट टू डू डॉट क्रिएट टू डू, वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन हम लोग उसको डिस्ट्रक्शन किया तो हम लोग सिंपली लिखेंगे क्रिएट टू डू और उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करा देंगे। तो न्यू टू डू ठीक है ये रहा पास करवा दिए, अब यहाँ पर सेव करके देखते हैं। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर कोडिंग और ये देखो यहाँ पर आ गया ना। अब यहाँ पर सीन क्या है कि हम लोग लिखने का चाहते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हो क्लीन हो जाए पूरा, ठीक है तो उसके लिए हम लोग सिंपली, क्योंकि ये जो है ये इनपुट फील्ड में सेट टाइटल के वैल्यू पे डिपेंड करता है, इस पर सेट हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे सेट टाइटल और उसको एम्प्टी सेट कर देंगे। ठीक है तो यहाँ पर जैसे फिर से मैं लिखता हूँ कोडिंग और यहाँ पर ये हो गया, मतलब यहाँ पर ऐड हो गया, लेकिन एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर ऑटो, मतलब ये जो फोकस है ये जा नहीं रहा, मतलब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर नहीं रहे, ठीक है वो भी हो जाएगा, या फिर आप चाहते हैं ऐसा रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं था तो छोड़ सकते हैं। अब देखते हैं, अब दो चीज बचा हमारा कि एक डिलीट का और एक एडिट का, तो डिलीट का पहले कर लेते हैं, बहुत ईजी होता है डिलीट का। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और मैं केस अब लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ये डिलीट टू डू का भी है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ केस डिलीट टू डू, ठीक है फ्रंट यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे हम लोग सबसे पहले स्टेट को करेंगे, ठीक है जो हमारा ओरिजिनल स्टेट है, रुक जाओ सॉरी स्टेट ये अबे क्या हो जा रहा है, ठीक है स्टेट और उसका यहाँ पर करेंगे टू डूज, लिखेंगे टू डूज हम लोग, ठीक है यहाँ पर टू डूज लिख लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फिल्टर करने वाले, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टेट डॉट टू डूज, ठीक है क्योंकि हमें ओरिजिनल टू डू एक्सेस करने लिखना पड़ेगा ना, तो टू डूज हम लोग लिख रहे हैं स्टेट डॉट टू डूज और फिल्टर। तो फिल्टर जो है इनबिल्ट मेथड है जावास्क्रिप्ट का, सिंपली ये क्या करता है फिल्टर कर सकते हैं अपडेटा को, ठीक है रिएक्ट से इसका कोई लिंक नहीं है ऐसा, ठीक है तो जावास्क्रिप्ट मेथड है तो सिंपली ये हर एक टू डूज जो है एरे का ही मेथड है, तो इसमें जितना भी आइटम है ना हर एक लिए ये रन करेगा और ये मतलब सिंपली हमें यहाँ पर रिटर्न कराना पड़ेगा, हाई ऑर्डर फंक्शन है मतलब फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन, तो वो हमें रिटर्न कराना पड़ेगा ट्रू या फॉल्स, अगर किसी आइटम के लिए ट्रू रिटर्न करते हैं तो एरे में रखेगा और नहीं तो फॉल्स करते हैं तो नहीं रखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो आईडी ले रहे हैं आईडी को हम लोग मैच कराएंगे और आईडी अगर मतलब जिसके साथ आईडी मैच कर जाएगा ना जिस आइटम के साथ उसमें हम लोग फॉल्स रिटर्न करा देंगे तो क्या होगा कि वो आइटम यहाँ पर एड ही नहीं होगा तो वो डिलीट हो जाएगा एक तरह से, समझ रहे हैं आप। तो मैं लिखता हूँ टू डू और एरो फंक्शन में लिखता हूँ टू डू डॉट आईडी नॉट इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है तो एक्शन डॉट पेलोड में आईडी आएगा, ठीक है तो जैसे लूप चलेगा तो यहाँ पर चेक होगा। अब टू डू आईडी के साथ जैसे एक्शन डॉट पेलोड जैसे हर एक आइटम के लिए यहाँ चलेगा, ठीक है तो जो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा, मैंने नॉट इक्वल टू लिखा है तो जो मैच नहीं कर रहा है ओरिजिनल आईडी साथ उसको रखना है, और जैसे मैच कर जाएगा तो सिंपली वहां पर ट्रू होगा तो वो उसको निकाल देगा बाहर, ठीक है जो मैच नहीं कर रहा उसके लिए ये सिंपली ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि टू डू आइटम है हर एक ओरिजिनल टू डू चलेगा, फर्स्ट वाला आया तो आईडी मैच नहीं किया तो ट्रू रिटर्न किया और नॉट इक्वल टू मैच नहीं किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया तो उस आइटम को रख दिया। सेकंड वाला थर्ड वाला मान लो फोर्थ वाला यूजर ने क्लिक किया फोर्थ वाला टू डू यहाँ पर फोर्थ वाला टू डू के लिए चल रहा है और उस वक्त ये मैच कर गया, ठीक है तो क्या गया तो मैच कर गया तो ये वहां पर फॉल्स आ जाएगा क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू लिखा इक्वल्स टू मतलब कंपेयर नहीं करें नॉट इक्वल टू तो ये मैच यहाँ पर करके तो यह फॉल्स आया तो उसको नहीं रखा तो सिंपली ये डिलीट हो गया एक तरह से अगर आप देखें लॉजिकली तो, ठीक है फिल्टर मेथड सिंपली यही करता है। इसको हम लोग सेव कर देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं एक एक्शन क्रिएट करते हैं इसके लिए भी। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डिलीट टू डू ये सिंपली आईडी लेगा और आईडी एक पैरामीटर आप एक सोजेट कुछ भी लिख सकते हो ऐसा नहीं आईडी थोड़ा समझने में आसानी हो इसलिए। फिर लिखते हैं डिस्पैच, डिस्पैच में हमें टाइप देना होगा डिलीट टू डू क्योंकि तभी वो मैच कर पाएगा रिड्यूसर में जाकर वो एक्शन परफॉर्म करेगा और पेलोड में हम लोग भेजते हैं आईडी जो कि हम लोग को भी मिलेगा डिलीट टू डू से, ठीक है जब ये कॉल होगा तब आएगा तो डिलीट टू डू को हमें मेंशन करना पड़ेगा नहीं तो फिर वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे हम लोग वहां से। तो लिखते हैं डिलीट टू डू, ठीक है और उसको सेव करते हैं और डिलीट टू डू के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा टू डू इनपुट नहीं टू डू डॉट जेएस में क्योंकि यहाँ पर डिलीट का आइकन है तो हमें यहाँ पर इम्पोर्ट करना है। तो जल्दी से मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ इम्पोर्ट डॉट डॉट स्लैश कॉन्टेक्ट स्लैश टू डू प्रोवाइडर और यहाँ से हम लोग करते हैं टू डू कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट और हम लोग को यहाँ पर करना पड़ेगा रिएक्ट से यूज कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट, ठीक है इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कॉन्स्ट टू डू कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू
यूज कॉन्टेक्स्ट देते हैं और यहाँ पर देते हैं हम लोग टू डू कॉन्टेक्स्ट जो कि हमने इंपोर्ट किया पे, यार फिर से वही हो जाता है, समझ में नहीं आता। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको मैं लिखता हूँ कॉस्ट कर ली वैसे मैं एम्प्टी रख रहा हूँ ऐसे ही। अभी लिखते हैं टू डू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिलीट टू डू। ठीक है, अब इस पे जब क्लिक होगा तो डिलीट होना है, तो सिंपली मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक और मैं इसके अंदर एम्प्टी फंक्शन देता हूँ। तो क्या होगा, जब ये लोड होगा तो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, इसलिए हम लोग दे रहे हैं एम्प्टी फंक्शन जो कि कॉल करेगा डिलीट टू डू को। ठीक है, और हमें क्योंकि भेजना आईडी भेजना याद करो, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो टू डू आ रहा है टू डू क्योंकि यहाँ पर प्रॉप्स डॉट टू डू टाइटल है, तो हमें यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट टू डू डॉट आईडी। तो इसको क्यों ना डिस्ट्रक्शन इसको भी कर लिया जाए, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट टू डू और अच्छा नहीं क्योंकि मुझे फिर टू डू से फिर आईडी को निकालना है। ठीक है, ऐसे भी चलो क्योंकि टू डू के अंदर आईडी आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट टू डू जो कि हर एक टू डू हमारे पास आने वाला है टू डू से डॉट आई डी, तो हम उसको पास करवा दे रहे हैं डिलीट टू डू में। ठीक है, जब भी क्लिक होगा सिंपली डिलीट टू डू कॉल होगा उसमें जाएगा आई डी चल जाएगा, और आई डी जैसे जाएगा तो यहाँ पर देख लो ये जो है आई डी यहाँ पर चल जाएगा, तो हिट करेगा और डिलीट टू डू को और साथ में पिलोट में ये आई डी भेज देगा और वो आई डी यहाँ पर स्कैन करके उसको रिमूव कर देगा। तो ये था सिंपल सा लॉजिक। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, ये देखो जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर डिलीट होता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब बस सिंपल से एक बचा कि इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आ जाए, हम लोग उसको अपडेट कर सके। तो डिलीट का हो गया, क्रिएट का हो गया, अब बस बचता है यहाँ पर अपडेट का। अब फ्रंट अपडेट टू डू का थोड़ा सा सीन अलग है, आपको वो समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। हम लोग पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर वैल्यू आएगा, फिर हम लोग जो चेंजेस करेंगे, फिर इंटरप्रेस करेंगे, फिर डेटा यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर तोड़ के मतलब चीजों को अलग अलग करके समझना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें पहले डेटा सेट करना पड़ेगा करेंट टू डू पे, जो अभी नल है। ठीक है, और जैसे वो डेटा सेट होगा ना तो हम लोग यहाँ पर एक तरह से डिटेक्शन लगाएंगे, जैसे वो चेंज होता है तो यहाँ पर फिल हो जाए डेटा, तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले यहाँ पर क्लिक करने से डेटा यहाँ पर कम से कम सेट तो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो टू डू प्रोवाइडर में कॉन्स्टेंट था वहां पर मैंने एक चीज एक और हमें ऐड करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेट टू डू। ठीक है, सेट टू डू। ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक केस डिफाइन करते हैं, टॉप या बॉटम कहीं पर भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, केस सेट टू डू। अच्छा, सेट टू डू मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं किया था, तो मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ सेट टू डू। ये हो गया, और क्या करते हैं यहाँ पर केस सेट टू डू रहा, सेट टू डू मैं वह डालता हूँ, और इसमें क्या होगा, तो इसमें पहले मैं सॉरी ऐसा नहीं रिटर्न लिखना पड़ेगा ना, रिटर्न करेगा स्टेट, और यहाँ पर क्या होगा सिंपली कि जो करेंट टू डू है ना, करेंट टू डू में वो डेटा यहाँ पर सिंपली फिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी पिन इस सॉरी यहाँ पर एरर दे रहा क्योंकि रुक जाओ मैं इसको भी हटा देता हूँ एरर ताकि चल जाए। यहाँ पर जब भी क्लिक करें ना तो सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि टू डू आइटम ही है तो जब भी क्लिक करें तो ये टू डू हम लोग पास करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ कंट्रोल सेट करता हूँ, तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, करेंट टू डू में वो पेलोड यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ सिंपली एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, तो हमने सेट टू डू यहाँ डिफाइन कर दिया, यहाँ पर सब सही है, यहाँ पर इसका हम लोग एक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ जल्दी से कॉन्स्ट सेट टू डू, यहाँ पर सिंपली टू डू आ गया, जैसे पैरामीटर ले रहे हैं, एरो फंक्शन है, हम लोग डिस्पैच करेंगे यहाँ पर। मैं लिखता हूँ टाइप सेट टू डू और पेलोड में हम लोग भेजेंगे टू डू जो कि पैरामीटर में आएगा, सेट टू डू फंक्शन कॉल करेंगे ना तो उसमें पैरामीटर में भेजेंगे टू डू और वो पेलोड में यहाँ पर जाके चल जाएगा और डिस्पैच हो जाएगा सेट टू डू, तो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पास भी कराना पड़ेगा फंक्शन सेट टू डू। चलो यहाँ तक हो गया, अब टू डू में जाते हैं और यहाँ पर जो टू डू कॉन्टेक्स्ट रहा, ये देखो टू डू कॉन्टेक्स्ट हमने पहले से कर रखा है, तो इसमें डिलीट टू डू हमने इम्पोर्ट मतलब डिस्ट्रक्शन कर लिया, उससे एक्सेस कर लिया, तो यहाँ पर लिखते हैं सेट टू डू। ठीक है, ये भी ले लेते हैं। तो अब जब भी एडिट पे क्लिक होगा तो सिंपली जैसे डिलीट कर इसमें वही होगा, ऑन क्लिक जब भी होगा तो सिंपली हम लोग एक एम्प्टी फंक्शन बनाते हैं, वो कॉल करेगा सेट टू डू को और उसमें हम लोग भेजेंगे टू डू, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे प्रॉप्स डॉट टू डू, सॉरी तो लिखते हैं प्रॉप्स डॉट टू डू। ठीक है, और देखते हैं क्या सीन है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और जैसे क्लिक किया तो आपने देखा यहाँ पर नया, क्योंकि ये कॉन्सोल बार बार मैं करवा रहा था टू डू से, तो देख लो यहाँ पर ये करंट टू डू में हमारा जिसपे क्लिक किया था देखो वही आइटम आ गया सिंपली। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ देख लो जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये सेम टेक्स्ट यहाँ पर करंट टू डू में आ जाएगा, ये देखो आ गया ना। और आपको और थोड़ा अच्छे से देखना तो आप सिंपली कॉम्पोनेंट में चल जाओ और ये जो प्रोवाइडर है ना यहाँ पर सारा स्टेट मेंशन होता है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर करंट टू डू में वो डेटा आ गया। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखना डेटा चेंज हो गया, ये देखो आ गया ना। ठीक है, इस पर लास्ट वाला शायद इसका कंप्लीटेड ट्रू होगा, ये देखो।
वो डेटा यहाँ पर सेट हो जाए जिस पर क्लिक करें। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि डेटा चेंज हो रहा है, उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए यूज इफेक्ट आता है। तो मैं जाता हूँ टू डू इनपुट में, क्योंकि टू डू इनपुट में मुझे फिल करवाना है डेटा, वहीं पर फॉर्म है। तो मैं यहाँ पर रिएक्ट का जो है ना यूज, यहाँ पर और एक हुक इंपोर्ट करता हूँ यूज इफेक्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ मैं यूज इफेक्ट, और इसके अंदर एरो फंक्शन में डाल रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर डिपेंडेंसी डालना पड़ेगा, तो डिपेंडेंसी मतलब कि वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो हम लोग डालेंगे यहाँ पर टू डू कॉन्टेक्स से मैं निकाल लेता हूँ और एक खींच के करेंट टू डू, ठीक है, जिसपे कि मेरा डेटा फिल हो रहा है, तो इसी पे डिपेंड करेगा। तो ये जैसे चेंज होगा ना, तो इसके अंदर जो भी होगा कॉल होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर दे दूँ कॉन्सोल लॉग पे टू डू कुछ भी लिखते हैं, जैसे एक्स वाई जेड या वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। लेकिन अब देखना बिल्कुल और करना, मैं कॉन्सोल पे जाता हूँ। ये तो इनिशियल लेवल पे जब भी कंपोनेंट लोड रहता है तो एक बार यूज स्टेट कॉल होता ही है, लेकिन जैसे मैं पेंसिल पे कॉल करूंगा, आप याद ध्यान देना यहाँ पर फिर से यही टेक्स्ट आएगा, ठीक है। ये तो आया ना, ये टेक्स्ट आ गया ना। तो जैसे ही इस पर क्लिक करे तो क्या हो रहा है कि ये करंट टू डू में डेटा फिल हो रहा है और वो चेंजेस को डिलीट कर रहा है, क्योंकि ये डिपेंड है यूज इफेक्ट करंट टू डू पे। तो जैसे चेंज हो रहा है तो इसके अंदर जो भी है फिर से कॉल हो रहा है। तो हम लोग अभी इसको सेट करेंगे, तो अभी यहाँ पर डायरेक्ट सेट नहीं कर सकते, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा सेट टाइटल और करंट टू डू, तो यहाँ पर झोल हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल लेवल पे भी एक बार हो रहा ना और उस वक्त करंट टू डू का वैल्यू नल है तो एरर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ करंट टू डू नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है मतलब उसमें डेटा अगर फिल है तो हम लोग तब सेट करेंगे। तो मैं लिखूंगा सेट टाइटल, और इसके अंदर मैं सिंपली डायरेक्ट करंट टू डू नहीं दूंगा, क्योंकि करंट टू डू एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं लिखूंगा करंट टू डू डॉट टाइटल, ठीक है। ये तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये देखो आ गया ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डेटा आ गया। तो यहाँ पर और क्या सीन है, यहाँ पर डेटा आ गया और हम लोग अभी अपडेट करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए अपडेट हमने तो सेट करने के लिए बस डाला था, अपडेट करने के लिए हम लोग कोई अभी तक ये नहीं किए कि वो अपडेट हो जाए, तो वो भी क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या सीन है और एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर अपडेटेड एक शायद मैं रुक जाऊँ, मैं देखता हूँ, मुझे शायद याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ही बनाया, बट फिर भी रुक जाओ, अपडेटेड या अपडेट शायद कुछ तो मैंने बनाया था, ये हाँ अपडेट नेम है क्लास का। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी अपडेट होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्लास ऐड कर देंगे अपडेट, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे जानेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्लास नेम में स्ट्रिंग नहीं सिंपली करली ब्रेसेस देते हैं और यहाँ पर टाइल ऑपरेटर देते हैं, इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन या फिर बोल सकते हैं जो टेम्पलेट एडिटर से नया फीचर है। तो टू डू क्लास यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऐसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, देखो फिर भी आ रहा है, ठीक है। तो वो तो वैल्यू वहाँ पर सेट हो ही रहा है, अगर आप चेक करोगे यहाँ से भी, ये तो टू डू क्लास इनपुट तो ऐड ही हो रहा है। लेकिन देखो क्या हो रहा है कि जब करंट हम लोग अपडेट कब कर रहे हैं, अपडेट जब कर रहे हैं तब टू डू करंट टू डू में डेटा आ रहा है, नहीं तो नल रह रहा है। तो हम लोग उसी कंडीशन के यहाँ पर फायदा उठाएंगे, हम लोग देते हैं करली ब्रेसेस और यहाँ पर लिखते हैं कि करंट टू डू अगर नल है तो हम लोग सिंपली लिखते हैं करंट टू डू इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है और क्वेश्चन मार्क का सिंबल देते हैं, इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो नल नहीं तो क्या हो, तो सिंपली तब क्या हो कि अपडेट यहाँ पर मैं यहाँ पर ये देता हूँ अपडेट आ जाए, अपडेट क्लास हो और नहीं तो नल, ठीक है। इसको सेव करते हैं, अब देखना, सॉरी यार नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो चेंज हो गया ना, तो जैसे क्योंकि चेंज चेक हो रहा है, जैसे करंट टू डू फिल हो रहा है तो नल नहीं है तो अपडेट आ जा रहा है, और फिर क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेवल पे तो वो नल ही है तो इसलिए वो ब्लू कलर मतलब पर्पल कलर आ रहा है, ठीक है। जैसे क्लिक करें तो यहाँ पर ये थोड़ा काफी अच्छा से स्टेट यहाँ मिल रहा है लुक। अब हमारा बस लास्ट काम बचा हुआ है कि जैसे यहाँ पर कुछ हम लोग लिखे कुछ भी लिखे यहाँ पर तो और इंटर प्रेस करें तो यहाँ पर डेटा रिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें अभी फिर एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा अपडेट का और एक रिड्यूसर में ऐड करना पड़ेगा केस, ठीक है। अब फ्रेंड्स अपडेट टू डू का क्या सीन है मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही सिंपली। तो अपडेट टू डू में क्या हुआ कि मैं इसको फिर से रिलोड करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने क्लिक किया डेटा आया, तो हम लोग कुछ चेंज ऐसा नहीं है कि नॉर्मली छोड़ देंगे, चेंज कर रहे हैं तभी तो अपडेट कर रहे हैं ना। तो मैं लिखता हूँ सिंपली कोडिंग, ठीक है। तो हमने जो डेटा चेंज किया है यहाँ पर, ठीक है, जो भी हमने लिखा और हम लोग इंटरप्रेस करेंगे तो इस डेटा को हम लोग फिर से भेजेंगे डिस्पैच मतलब उस एक्शन पे कॉल करेंगे, तो ये डेटा जाएगा और डेटा क्या करेगा कि क्योंकि इसका तो जो आईडी है ना, तो हम लोग आईडी के बेस पे चेक करेंगे, जैसे आईडी वो मैच कर जाएगा ओरिजिनल डेटा से तो उसमें ये रिप्लेस करा देंगे तो चेंजेस हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। तो हम लोग का डेटा आएगा तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जो है एक इसका केस डिफाइन करते हैं, मैं क्रिएट के नीचे रखता हूँ केस अपडेट टू डू और ये रिटर्न करेगा सिंपली स्टेट। अब यहाँ पर लिखते हैं टू डूज, क्यों हमें मॉडिफाई करना है टू डूज में, रिप्लेस करना है उस जो चेंज वाला को ओरिजिनल वाले से, तो लिखेंगे स्टेट डॉट टू डूज डॉट मैप, ठीक है। तो मैप क्या करता है सिंपली, वो मैप फंक्शन होता है मैपिंग के लिए होता है, तो यहाँ पर हम लोग अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ क्योंकि ये भी हर एक आइटम के लिए कॉल होगा, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ टू डू और ये एरो फंक्शन होने वाला है, तो सिंपली इसका हम लोग लिखेंगे टू डू डॉट आई डी, ठीक है। अगर टू डू डॉट आई डी
मैच कर गया हमारा एक्शन डॉट पेलोड। एक्शन डॉट पेलोड में पूरा हमारा ऑब्जेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एक्शन डॉट पेलोड, क्योंकि आईडी नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो एक्शन डॉट पेलोड एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा वो टू डू को। तो मैं लिखेंगे एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट में टाइटल है, आईडी है, कंप्लीटेड फॉल्स या ट्रू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कि टू डू से टू डू का आईडी अगर मैच करेगा आइटम में ये चेक होगा, अगर टू डू का आईडी मैच कर रहा है, जैसे फर्स्ट वाले तो फर्स्ट वाले में चेक होगा, सेकंड है तो सेकंड वाले में चेक होगा, तो हर एक में चेक होगा। तो टू डू का आईडी अगर मैच कर रहा है जो हमारे पास है एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी से मैच कर जा रहा है दोनों, मतलब कि मैच कर गया, तो मतलब उसी को हमें रिप्लेस करना है। तो हमें टर्नरी ऑपरेटर देंगे क्या मैच कर रहा है, तो अगर मैच कर रहा है तो सिंपली हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करने के लिखेंगे एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपली वो जो हमने ऑब्जेक्ट भेजा वो रिटर्न हो गया, तो वो ऑब्जेक्ट उसकी जगह पे रिप्लेस हो गया। अगर नहीं मैच कर रहा मतलब वो वाला नहीं है, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे यहाँ पर कॉलन देके टू डू, जो नॉर्मल टू डू हर एक बार चल रहा है वो रिटर्न होगा, ठीक है। तो अगर मैच कर गया तो हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न रिप्लेस हो जाएगा, नहीं तो फिर जो चल रहा है वही रिप्लेस होता रहेगा, क्योंकि वो मैच ही नहीं किया ना। तो हमारे यहाँ पर अपडेट का बन गया, बहुत ही सिंपल है। और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपडेट का बनाते हैं। तो मैं डिलीट के ऊपर रखता हूँ, इसलिए नहीं कि इससे कुछ मतलब दिक्कत है, थोड़ा ऑर्डर में रहेगा, क्रिएट अपडेट डिलीट थोड़ा ऑर्डर में रहेगा तो सही लगता है देखने में भी और समझने में भी, तो ऊपर नीचे रहेगा तो थोड़ा डीप लगेगा। मैं कॉन्स्ट अपडेट टू डू और यहाँ पर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पूरा टू डू आने वाला है, तो मैं लिखता हूँ टू डू और यहाँ पर मैं डिस्पैच कराता हूँ टाइप अपडेट टू डू, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पेलोड में भेजता हूँ टू डू जो कि हमारे पास आने वाला है एज ए पैरामीटर, ठीक है। ये हो गया, अब इसको सेव करते हैं और हम लोग इसको भेजते हैं यहाँ पर वैल्यू में, डिलीट के ऊपर ही लिखता हूँ मैं यहाँ पर भी अपडेट टू डू, ठीक है, और कॉमा देता हूँ। चलो यहाँ पर हो गया, तो अब टू डू इनपुट में यहाँ पर है। तो अब हम लोग कैसे जानेंगे कब अपडेट करना और कब क्रिएट करना, क्योंकि यूजर तो यहाँ पर लिखा तब भी मतलब क्रिएट कर रहा है लिख के, और जब यहाँ पर क्लिक किया तो वैल्यू सेट हो जा रहा है, तो कैसे जानेंगे। तो जब भी करेंट वैल्यू करेंट टू डू का वैल्यू जब नल नहीं है तब मतलब अपडेट करना है, क्योंकि जब हम लोग इस पेन पे क्लिक करते हैं पेंसिल पे तब इसका वैल्यू नल नहीं होता, तब ये डेटा भर फिल हो जाता है, तो मतलब कि जब नल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये ऑन सबमिट में जब न्यू हो रहा है यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ करेंट टू डू इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो अभी यार क्या हो गया नॉट इक्वल टू नल, तब क्या होगा, यहाँ पर मैं कमेंट कर दे रहा हूँ अभी के लिए अपडेट द टू डू एल्स, अगर नल है मतलब, तब सिंपली कि नल है तो मतलब वैल्यू नहीं, तब यूजर क्रिएट कर रहा है इसलिए ना। लेकिन यूजर जब पेंसिल पे क्लिक किया करेंट टू डू का वैल्यू फिल हो गया करेंट टू डू में तो नल नहीं है, तो तब हम लोग अपडेट करेंगे, और अगर नल है तो सिंपली न्यू टू डू क्रिएट हो रहा है। तो मैं इसको कॉपी कट कर लेता हूँ और इसको यहाँ इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो अपडेट का भी सेम इसी तरह होगा, तो मैं इसी को कॉपी कर सकता हूँ न्यू टू डू को, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, रुक जाओ इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ, मैं न्यू टू डू की जगह लिखता हूँ अपडेटेड टू डू, ठीक है, अपडेटेड टू डू। तो आईडी जनरेट नहीं होगा क्योंकि जो आईडी हो जाएगा, तो मैं लिखता हूँ करेंट टू डू जिसमें कि करेंट टू डू है डॉट आईडी, वो आईडी रह जाएगा। टाइटल में जो यूजर ने जो लिखा है वो टाइटल आ जाएगा, और कंप्लीटेड में मैं अपने से सेट नहीं करूंगा फॉल्स या ट्रू। तो सिंपली हम चाहते हैं कि यूजर जो भी है उसका रहे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर मैं करेंट टू डू डॉट कंप्लीटेड देता हूँ, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर सीन क्या है कि यहाँ पर आ गया अपडेट टू डू, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे, लेकिन हम लोगों ने अपडेट टू डू अभी तक इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पर मैं देता हूँ अपडेट टू डू और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं अपडेट टू डू यहाँ पर ये जो है इसके नीचे अपडेट टू कॉल करते हैं अपडेट टू डू में, ठीक है। तो अपडेटेड टू डू जो हमारा ऑब्जेक्ट उसको हम लोग पास कराते हैं यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर ये चल गया और यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ फिर से, मैं जैसे इसको लिखता हूँ कोडिंग, प्रिंटर प्रेस करता हूँ, एरर हो गया कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी आईडी ऑफ अनडिफाइंड। अच्छा रुक जाओ मैं देखता हूँ टू डू डॉट आईडी कहाँ पर एरर आ गया, यार क्या सीन है। तो फ्रांड से यहाँ पर एरर आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था एरर क्यों आ रहा है, बाद में जब देखा तब समझ में आया क्या सीन है, छोटा सा मिस्टेक था, हम लोग सब कुछ सही कर रहे थे। देखो यहाँ पर अपडेट टू डू में ना मैं पेलोड में पूरा मतलब स्पेलिंग गलत था, मतलब सही है लेकिन मैंने डी नहीं लिखा था, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि पेलोड जब लिखा नहीं इसलिए, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और आप चेंज करके देखते हैं, देखो यहाँ पर आ गया ना, तो मैं फिर से लिखता हूँ और मैं फिर से लिखता हूँ जैसे कोडिंग, ठीक है, इंटर करता हूँ तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब दो चीज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, जैसे पहले कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने चाहता हूँ क्लिक करो और फिर लिखू, मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक ये फोकस हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली डॉम को एक्सेस करने के लिए, मैं लिखता हूँ यूज रेफ, यूज रेफ को बिना अगर जरूरत नहीं है तो आप नहीं यूज करें तो ही बेटर है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज रेयर केस में यूज होता है और बहुत कम इसको यूज करने बोला जाता है, क्योंकि रिएक्ट वर्चुअल डॉम पे काम करता है इसका, ये अपना डॉम एक वर्चुअली डॉम क्रिएट करता है उसमें मेंटेन करता है और
फिर वहां से अपडेट होने के बाद फिर वो डॉम्बे जो है वहां पर वो अपडेट करता है, ठीक है। तो इसलिए तो जो भी हो मैंने यूज रेफ को कर लिया, यहाँ पर एक रेफ क्रिएट करते हैं, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट इनपुट रेफ और मैं रेफ मतलब रेफरेंस बोल सकते हैं, मैं लिखता हूँ यूज रेफ, सिंपली यूज रेफ को आपको यहाँ पर कॉल कर देना है इस हुक को, यहाँ पर हो गया। और इनपुट में इनपुट जो है सॉरी यार मैंने इसको यहाँ पर क्यों कर दिया, ये टू डी इनपुट में होगा, मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ और मैं इसको सेव करके यूज रेफ को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, मिस्टेक हो गया, इसको यहाँ पर होगा यूज रेफ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ जो मैंने कट किया था वहाँ से इनपुट रेफ। अब क्या करना है, इस इनपुट रेफ को आपको यहाँ पर इनपुट एलिमेंट पे जहाँ पर है यहाँ पर लिखना है रेफ और इक्वल्स टू यहाँ पर वो जिसमें आपने स्टोर किया ना ये रहा इनपुट रेफ, उसको यहाँ पर मेंशन कर देना इनपुट रेफ, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर हमारा। अब क्या करेंगे, तो जब भी यूजर जब भी सेट टाइटल होगा, मतलब जब भी यहाँ पर टाइटल सेट होगा ना तभी हम लोग करेंगे, क्योंकि जब नल नहीं है वैल्यू सेट हो गया तो उसी वक्त हम लोग करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर इनपुट रेफ, अरे यार क्या आ रहा है, इनपुट रेफ ये रहा डॉट करेंट डॉट फोकस, ठीक है। तो जब भी ये कॉल करेंगे तो क्या वो फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो देखना अभी जैसे क्लिक करता हूँ ये देखो ऑटोमेटिक फोकस हो गया, मुझे क्लिक नहीं करना पड़ा, तो मैं जैसे लिखता हूँ कोडिंग ये देखो, लेकिन उसका परेशानी क्या है कि यहाँ पर ये ऑटो फोकस हो के ही रहा, लेकिन हम जो चाहते हैं ये नहीं रहे, तो उसके लिए ब्लर मेथड होता है, उसको कब कॉल करेंगे जब सबमिट हो जाएगा या फिर न्यू क्रिएट हो जाएगा तब। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट ब्लर, ठीक है। तो ब्लर मेथड को कॉल करेंगे तो क्या होगा, फोकस हट जाएगा वहां से, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोडिंग और इंटरप्रेस करता हूँ, फोकस हट गया, ठीक है। ठीक है यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ टू में गेमिंग लिखता हूँ और इंटरप्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर अपडेट भी हो गया और यहाँ पर फोकस भी हट गया। अब डिलीट भी कर सकते हैं, तो हमारा यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर हो चुका है जितना फंक्शन ऐड करने का था, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स एक जो बच गया मेरे ध्यान में रहा वो कंप्लीटेड, ठीक है। अगर कंप्लीट हो गया नहीं हुआ वो टूडू ने, फिर उसका मतलब ही क्या हुआ टूडू का, अगर कंप्लीट उसमें हुआ नहीं हुआ वो चेक नहीं किए। तो उसके लिए मैं जाता हूँ टूडू में और यहाँ पर जो ये टाइटल है ना तो इसको मैं डालता हूँ स्पैन टेक के अंदर, और मैंने शायद एक क्लास बना के रखा था कंप्लीट या कंप्लीटेड करके, मेरे को मैं लिख के देखता हूँ शायद कंप्लीटेड होगा शायद, शायद मेरे हिसाब से हाँ तो कंप्लीटेड क्लास था, तो इसको मैं ऐसे नहीं यूज करने वाला हूँ। तो ये तभी यूज होगा, मतलब तभी ऐड होगा जब कंप्लीटेड ट्रू हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट में है कंप्लीट ट्रू या फॉल्स वो सेट किया हुआ। तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ मैं देता हूँ टाइल ऑपरेटर जो कि टेम्पलेट एडिटर जिसको बोलते हैं ये सिक्स में। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर देता हूँ ये कि प्रॉप्स डॉट टू डू डॉट कम्प्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये ट्रू हुआ, ठीक है, तो ऐसे देते हैं, अगर ट्रू हुआ तो सिंपली ये सिंपली अगर ट्रू होगा तो यहाँ पर होगा ऐड होगा। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सॉरी ये कंप्लीट क्लास, यहाँ पर मैं ये कोटेशन नहीं दे रहा हूँ, और नहीं तो नल, ठीक है सॉरी क्या हो रहा है, हाँ ये रहा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और देखते हैं, ये देखो लास्ट वाले पे कंप्लीट था तो इसलिए यहाँ पर ये इस तरह का कटा हुआ, मतलब जो बोल सकते हैं लाइन थ्रू यहाँ पर आ गया। सिंपली यहाँ सीएसएस प्रॉपर्टी सेट किया, मैंने इसका लाइट कलर कर दिया और यहाँ पर लाइन थ्रू कर दिया, ठीक है। तो बाकी में भी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सिंपली क्लिक करें तो वो यहाँ पर सिंपली कंप्लीटेड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली टू डू प्रोवाइडर पर जाते हैं, पहले कॉन्स्टेंट क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए भी, जो लास्ट बचा हुआ ये फीचर जल्दी से ऐड करते हैं। मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कंप्लीट टू डू, इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम ही चीज होने वाला है, ठीक है। तो जब भी क्लिक होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, एक आईडी भेजेंगे और फिर हम लोग सेम जैसे अपडेट कर रहे थे ना, सिंपली इसका हम लोग अपडेट कर देंगे कंप्लीटेड ट्रू, सिंपल सा लॉजिक है। इस पर हमने क्लिक किया, एक फंक्शन कॉल होगा कंप्लीट टू डू करके, जिसमें आईडी भेजेंगे और उस आईडी के बेस पर सर्च करेंगे और उसका हम लोग उस जो भी मैच करेगा उसका हम लोग आईडी कंप्लीट को ट्रू कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो हम लोग प्रोवाइडर पर जाते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ पर कहता हूँ कंप्लीटेड टू डू, ये कंप्लीट टू डू, और हम लोग इसका केस कहीं पर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर डिफॉल्ट से ऊपर करना है और हम लोग रिटर्न कर देते हैं यहाँ पर स्टेट, और फिर मैं यहाँ पर करता हूँ जैसे टू डूज, जैसे अपडेट में सेम टू सेम होने वाला है। अगर मैं आपको इसका कॉपी भी करके दिखाऊँ, छोड़ो ये तो थोड़ा कन्फ्यूज होगा आप भी कि यार कॉपी पेस्ट हो रहा है यहाँ पर। तो टू डूज में मैं लिखता हूँ स्टेट डॉट टू डूज, तो मैं उसको एक्सेस कर ले रहा हूँ ओरिजिनल नंबर टू डूज को, और मैं लिखता हूँ मैप और मैं हर एक टू डू को लिखता हूँ टू डू,
ठीक है, अपडेट समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ टू डॉट आईडी, ठीक है, तो उसके साथ मैच कराएंगे हम लोग एक्शन डॉट पेलोड को। अब एक्शन डॉट पेलोड यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होने वाला, आईडी होगा, इसलिए मैं सिंपली एक्शन डॉट पेलोड लिखूंगा। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो मुझे लिखना पड़ता एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी, लेकिन यहाँ पर सिंपली हम लोग आईडी से सर्च कर सकते हैं ना, फिर आईडी लेना है, ठीक है, पेलोड एक्शन डॉट पेलोड आईडी आएगा। तो अगर मैच करता है टू डू आईडी के साथ एक्शन डॉट पेलोड, मतलब मैच कर गया कौन सा वाला है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ट्रू करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीका दिखाऊंगा, काफी कमाल का तरीका, नहीं तो थोड़ा अजीब सा भी आपको सिंटेक्स दिखेगा, दोनों ही सही है लेकिन मैं शॉर्टकट दिखाऊंगा। तो हमें मॉडिफाई करना है उसका कंप्लीट ट्रू को, सॉरी फॉल्स को ट्रू में, है ना। तो अब सीन यहाँ पर क्या है कि हमें हम लोग उस ऑब्जेक्ट को, अभी मैं बताता हूँ क्या सीन है। ऑब्जेक्ट डॉट मैं लिखता हूँ डिफाइन प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, शायद यही तो था मुझे जहाँ तक लगता है, हाँ ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी यही था, ठीक है। और सिंपली इसमें हम लोग भेजेंगे ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पर भेजता हूँ टू डू, ठीक है, जो कि हर एक बार आ रहा है ना, तो जैसे ही मैच कर गया तो उसमें हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिफाइन प्रॉपर्टी मॉडिफाई करता है प्रॉपर्टी को और रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, टू डू। और टू डू जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि लूप चल रहा है हर एक बार, और हम लोग उसमें लिखते थे कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड ट्रू, बस। तो क्या करेगा वो रिटर्न करेगा उसका कंप्लीट ट्रू करके एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये था, और नहीं तो फिर अगर मैच नहीं किया तो जो टू डू बाकी चल रहा है उसको यहाँ पर रिटर्न होने दो। अच्छा कहीं एरर आ गया, रुक जाओ मैं देखता हूँ। ये था डिफाइन प्रॉपर्टी, ये रहा, और यहाँ पर रुक जाओ क्या सीन है यार यहाँ पर, और नहीं तो फिर टू डू, अच्छा सॉरी यहाँ पर क्या हुआ, तो मुझे मैंने केस देना भूल गया, मुझे केस लिखना था वो मैं भूल गया, इसलिए आ रहा था, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर सिंगल ही होगा, ठीक है, तो इस तरह से मैच करा लेना, ये रहा, इसको मैं सेव करता हूँ। मुझे मैंने यहाँ पर डबल दे दिया था, शायद मैंने डबल दे दिया, तो यहाँ सिंगल होगा, ये देख लेना आप, ये इतना सा मैच करा लेना यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ, और यहाँ पर मैंने केस नहीं लिखा था तो केस लिख दिया, चलो सही है। अब हम लोग यहाँ पर बनाते एक, ये रहा मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट कंप्लीट टू डू, जिसमें सिंपली आईडी आएगा, और हम लोग सिंपली डिस्पैच करेंगे यहाँ पर टाइप जिसका होगा कंप्लीट टू डू, और पेलोड में आईडी जाएगा, ठीक है, ये रहा। अब इसको हम लोग यहाँ भेज देते हैं कंप्लीट टू डू, ये रहा, और हम लोग इसको सेव करने के बाद यहाँ पर टू डू में जाते हैं, और यहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से हम लोग लेते हैं कंप्लीट टू डू, ठीक है, और इसको हम लोग कॉल करते हैं। तो ये कब होगा, जब इस पर क्लिक होगा, ठीक है, एलआई पे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन क्लिक, एक एम्प्टी फंक्शन यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ, और ये कॉल करेगा कंप्लीट टू डू को, ये रहा कंप्लीट टू डू में। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर भेजेंगे आईडी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट टू डू डॉट आईडी, ठीक है, ये रहा। अबे यार सॉरी, इसको रिलोड करते हैं जैसे इस पर, अरे तेरी क्या सीन हो गया। हाँ तो सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या होता है, हर एक वीडियो में ये गलती बार बार करता हूँ, सिंपली मैं बताता हूँ क्या सीन है। मैं यहाँ पर आगे टू टू प्रोवाइडर में, यहाँ पर डिफाइन प्रॉपर्टी था ना, यहाँ पर असाइन करना है, क्योंकि मैं ये हर एक वीडियो में सेम ही चीज करता हूँ, ये गलती बार बार रिपीट हो जाता है, तो असाइन करना है। तो असाइन सिंपली क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है और उसमें के बाद आपको एक प्रॉपर्टी देना होता है, तो मॉडिफाई कर देता है, जो कि हम लोग पहले भी कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको बोला था डिफाइन प्रॉपर्टी नहीं, असाइन मेथड से होता है, डिफाइन प्रॉपर्टी मेथड से नहीं, ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। मैं फिर से उसको, ऐसे तो ये रिलोड हो जाता है, लेकिन फिर से मैं फिर भी कर रहा हूँ, जैसे क्लिक करता हूँ ये देखो कंप्लीटेड हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि जैसे वर्क कंप्लीट हो जाए तो डिलीट का ऑप्शन रहे, लेकिन यहाँ पर ये हमें ये ऑप्शन ना मिले, पेंसिल का ऑप्शन ना मिले एडिट का, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट होने का फिर उसको एडिट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना, कंप्लीट हो गया तो आप डिलीट कर सकते हो, यहाँ तक तो लॉजिकली समझ में आता है, लेकिन उसका डिलीट, तो इसको हम लोग हाइड कर देंगे अगर कंप्लीटेड है तो, ठीक है, बस ये कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये करना बहुत ही सिंपल है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखेंगे कभी कोडरेटर पे इस तरह से आता है, तो ये सिंपली फॉर्मेट करने का आ जाता है, इसको हटा भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, दिख भी रहा है तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग चाहते हैं कि नहीं आए, अगर कंप्लीटेड अगर हो गया तो हम लोग इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देते हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रॉप्स डॉट टू डूज, सॉरी टू डू डॉट कंप्लीटेड, ठीक है, अगर कंप्लीटेड है, ठीक है, तो यहाँ टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, कंप्लीटेड है तो सिंपली हम लोग एक एम्प्टी स्पैन दे दे रहे हैं, ठीक है। ये तो क्या होना पता है, ये इधर घिसक जाएगा, क्योंकि मैंने इस तरह से स्टाइलिंग किया है कि ये फ्लेक्स बॉक्स यूज किया है, तो ये इधर आ जाएगा, थोड़ा भद्दा दिखेगा, ठीक है ना, इसलिए मैं दे रहा हूँ कि अगर कंप्लीटेड हो गया तो उसको एक एम्प्टी स्पैन एलिमेंट दिखा दो, जो कि कुछ भी नहीं, एम्प्टी है, ठीक है, और अगर कंप्लीटेड नहीं है तो उसके लिए मैं कॉलन देता हूँ, नहीं आने के लिए उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, जो कि मैंने अभी कट किया था, ये रहा, ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपली उसको एडिट का दिखाओ, अगर है तो नहीं दिखा, तो है तो यहाँ पर सिंपली एम्प्टी है, ये स्पैन है, अगर मैं दिखाऊँ आपको दिख जाएगा, इस पर अगर मैं आऊँ तो देखना यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेन है, ठीक है, बाकी में बाकी का रियलाइट देखो, स्पेन में ये देखो यहाँ पर पेन आ रहा है पेंसिल, ठीक है,
तो वो चीज है। तो यहाँ पर इस तरह से आ गया, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये भी पेंसिल नहीं आने लगा, डिलीट मेरा कंप्लीट हो गया, तो मैं डिलीट कर दिया इसको। फिर इस पर क्लिक करता हूँ, ये कंप्लीट हो गया, डिलीट कर दिया। इसमें पेंसिल का नहीं आएगा क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, डिलीट कर दिया। ठीक है, और ऐड तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अपडेट भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और इसको डिलीट भी हो जा रहा है। ठीक है, तुम्हारा सारा फंक्शन यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, टू डू ऐप के लिए जो है, पूरा कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो फ्रांड्स एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, मैं बताता हूँ क्या। वैसा भी कुछ नहीं, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करें तो कंप्लीटेड हो जा रहा है, बट क्या सीन है, एलआई जो आइटम है, मतलब एलआई टैग में सब कुछ आ रहा है, तो एलआई टैग सबको मिला के ले रहा है। अगर हम पेंसिल पे भी क्लिक करते हैं ना एडिट के लिए, तब भी देखो यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि एलआई के अंदर ये सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस छोटा सा चेंजेस करना है आपको। यहाँ पर जो एलआई में ऑन क्लिक हमने लगा के रखा था, इसको एलआई में नहीं लगाना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हम लोग टाइटल के लिए दे रहे हैं, टू टाइटल स्पैन टैग के अंदर, यहाँ पर हमें लगा देना, बस इतना, सॉरी इतना सा चेंजेस करना है बस। ठीक है, इस पर लगा देना, इस पर ऑन क्लिक लगा देना, एलआई पे नहीं, और उसका अब क्लिक करेंगे तो ठीक है, अब ये सही है। ठीक है, तो बस इतना छोटा चेंजेस यहाँ पर करना है बस, और कुछ नहीं। नहीं तो क्या होगा कि आप यहाँ पर भी क्लिक करोगे तो ये भी, क्योंकि ये भी पेंसिल भी आइकन भले ही अपडेट के लिए, बट ये एलआई टैग के अंदर आ रहा है और हम लोगों ने एलआई में लगा के रखा था ऑन क्लिक, तो क्या हो रहा था, जैसे क्लिक हो रहा तो अपडेट के लिए ये फंक्शन तो काम कर रहा है, साथ में कंप्लीटेड भी हो जा रहा था। तो हमें एलआई से हटा के उसको लगा देना है यहाँ पर, इस पर ये टाइटल हो रहा है, यहाँ पर ऑन क्लिक पर लगा देना, बस इतना छोटा सा चेंज आपको करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है और उसको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आप किसी टॉपिक वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, तो उस टॉपिक में आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और तूफानी वीडियो के साथ किसी और वक्त पर।